गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूँ धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन फेस स्टडी यूट्यूब चैनल। ओके, बिल्कुल मानविन जी, गुड मॉर्निंग। थोड़ा सा लेट हो गए हैं हम, ठीक है, लेकिन लेट हो गए हैं और आपको दिखाई दे रहा है आपकी स्क्रीन पर हमारा शेड्यूल, ठीक है। 10 बजे वीडियो होती है वाली, थोड़ा सा लेट हो गए इस वीडियो के लिए। कोई दिक्कत नहीं, चलिए अगला जो होंगे, ठीक है। 2:30 बजे भी वीडियो आई, बिल्कुल ठाकुर जी, बिल्कुल गजराज जी, बिल्कुल गुड मॉर्निंग। चलिए, गुड मॉर्निंग सभी के लिए, गुड मॉर्निंग। और थोड़ा लेट हो गए इसलिए हम वीडियो जल्दी से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, कौन सा दिन विश्व जैव ईंधन दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व जैव ईंधन के रूप में, यानी कि वर्ल्ड बायोफ्यूल डे कब मनाया जाता है? चलिए आंसर दीजिएगा फ्रेंड्स, कमेंट करिए, आंसर दीजिएगा क्या रहेगा, ठीक है। कुछ दिन से दिक्कत आ रही थी लेकिन अब दिक्कत नहीं आएंगी, अब सारी दिक्कतें खत्म और आंसर देगा फ्रेंड्स क्या है। क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। अगर आपके स्क्रीन पर कोई भी दिक्कत आती है, जैसे कि अगर वीडियो हैंग हो रही है या कुछ भी हो रही है, तो आप मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है और हमने वीडियो स्टार्ट कर दी है, चलिए आंसर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है और आंसर दीजिएगा, ठीक है। हम वीडियो थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। इसका आंसर रहेगा 10 अगस्त, क्या रहेगा? ऑप्शन थर्ड रहेगा, 10 अगस्त रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, ये आपसे आपके सामने, किसने नई दिल्ली में निर्यात मित्र मोबाइल ऐप जारी की है? किसने नई दिल्ली में निर्यात मित्र ऐप लॉन्च किया है? आंसर कमेंट करना है फ्रेंड, जल्दी कमेंट करिएगा। चलिए आंसर कमेंट करिएगा क्या रहेगा क्वेश्चन का आंसर, देखते हैं किस इसका आंसर सही आता है। ऑप्शन है मानवीय जी, ऑप्शन ए, बहुत अच्छे। चलिए कोई और आंसर कमेंट करेगा क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर, कमेंट करिएगा। चलिए जल्दी से आंसर कमेंट करिए, बताइए क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्क्रीन पर चल रहे हैं भाई, ऑप्शन आ गया मानवीय जी, ऑप्शन ए, बहुत अच्छे। चलिए और कोई आंसर कमेंट करेगा यहाँ पर, यहाँ पर एक ऑप्शन, यहाँ पर रहेगा सुरेश प्रभु, ए बिल्कुल सही है मानवीय जी। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व भारत का 11वां बायोस्फीयर रिजर्व बन गया है, जिसे यूनेस्को ने वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व यानी कि WNBR में शामिल किया है, WNBR में शामिल किया है बायोस्फीयर को, भारत का कौन सा बायोस्फीयर है? चलिए आंसर कमेंट करिएगा और इसके बाद जो स्लाइड आएगी उसको आपको क्या करना है, उसको स्क्रीनशॉट लेना है। चलिए आंसर कमेंट करिएगा क्या रहेगा क्वेश्चन का आंसर, यहाँ पर रहेगा ऑप्शन रहेगा खंग चेंग जोंग जो है ऑप्शन रहेगा यहाँ पर, डी ऑप्शन 5 रहेगा सही, क्या रहेगा ई या 5, ठीक है। चलिए सभी लोग यहाँ पर इस वीडियो को देखेंगे और इनको आपको क्या करना है जो है स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट के लिए आपको लिस्ट ऑफ बायोस्फीयर दिया है और कहाँ कहाँ पर हैं, 18 बायोस्फीयर है, ठीक है। ओके, सारा लिखा हुआ है, ठीक है, सारा लिखा हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है। ओके, 18 है, कहाँ पर है? खंग जिंग जोंग जो है वो सिक्किम है, ठीक है। ओके, मानवंत जी ऑप्शन जो दिख रहा है आपको, थर्ड वाली जो लिख रहा है वो देखिए सिक्किम है, खंग जोंग चिंग जो जोंगा है जो कहाँ पर है वो सिक्किम है, ठीक है। थोड़ा अजीब सा नाम है लेकिन आपको याद करना रहेगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आंसर दीजिए, अगला क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन को पूरा करना है, ऑप्शन जो क्वेश्चन है उसे खालिस्तान को पूरा करना है। पूछ रहा है, नए पूंजी जुटाने की प्रक्रिया को सरल बनाने में माई डील डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, किसने किया है, किस बैंक ने ऐसा किया है? चलिए आंसर कमेंट करिएगा, माई डील डिजिटल प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया, आंसर कमेंट करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आंसर रहेगा ऑप्शन रहेगा HSBC ने ये किया है, ऑप्शन रहेगा यहाँ पर, ओके ऑप्शन थ्री रहेगा भैया, HSBC रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, किसको राज्यसभा के उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया है? राज्यसभा के उपाध्यक्ष के रूप में किसको निर्वाचित किया गया, ये क्वेश्चन आएगा फिर। चलिए आंसर कमेंट करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते किस किस का आंसर आता है। चलिए आंसर कमेंट करिए, और स्टूडेंट्स कम है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। ओके, स्टूडेंट जो है कम हो जाते हैं, क्या बात है भाई। चलिए आंसर कमेंट करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्क्रीन पर आंसर दीजिएगा। ओके, ऑप्शन सी आ रहा है, ऑप्शन 1 आ रहा है पांडे जी, बहुत बढ़िया। यहाँ पर आएगा ऑप्शन 1, पांडे जी बिल्कुल सही, हरिवंश नारायण सिंह बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन ये आपके सामने, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस के बीच स्वास्थ्य सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन मंजूरी दे दी है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच जो है स्वास्थ्य सहयोग के लिए एक समझौता जो है MU पर जो है हस्ताक्षर किए। चलिए बताइएगा, MU जानते होंगे आप, ठीक है, उस पर हस्ताक्षर किए हैं, ये आपको जल्दी से बताना है, कमेंट करिएगा क्वेश्चन जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 बजे छठवा है, चलिए आंसर कमेंट करिएगा।
थोड़ा वीडियो लेट है लेकिन कोई बात नहीं है, हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे और पूरी करेंगे वीडियो, ठीक है। चलिए आंसर कमेंट करिएगा, क्या रहेगा? किसी का आंसर नहीं आ रहा यहाँ पर, एक ऑप्शन वन इंडोनेशिया, क्या रहेगा? इंडोनेशिया के साथ में। चलिए अगला क्वेश्चन, ये रहा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कारोबार निदान, वन रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा पांडे जी? वन रहेगा, ठीक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कारोबार निदान सहयोग पर भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन MOU, क्या MOU जो है हस्ताक्षर की मंजूरी दी है, क्या है? कारोबार निदान सहयोग के लिए किस देश के साथ में जो MU किया है, चलिए बताइएगा किस देश के साथ भारत ने। चलिए आंसर कमेंट करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन ही आएंगे, चलिए आंसर दीजिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही आ रहे हैं आपके एग्जाम्स में। ओके, आंसर रहेगा ऑप्शन रहेगा साउथ कोरिया, ऑप्शन रहेगा साउथ कोरिया भाई, दक्षिण कोरिया, ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, वह मानक दर जो RBI ने खरीद या बकाया विनिमय बिल या खरीदने के लिए पात्र अन्य वाणिज्य पात्रों पर लागू की है, वह कौन सी है? तो इसको क्या बोलते हैं भाई, इस रेट को क्या बोलेंगे? ओके, SLR रेट बोलेंगे, कैश रिवर्स रेशो बोलेंगे, रेपो रेट बोलेंगे, रिवर्स रेपो रेट बोलेंगे, बैंक रेट बोलेंगे। चलिए आंसर कमेंट करिएगा। और रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट आप लोग जानते होंगे, ठीक है। रेपो रेट वो होती है जो आपको देखिए जो RBI जो रहता है वो कर देता है किनको, किसी बैंक को अगर कर देगा तो कुछ ना कुछ तो टैक्स लेगा, कुछ ना कुछ परसेंटेज लेगा, तो रेपो रेट कहलाती है वो परसेंटेज, ठीक है। अगर रिवर्स रेपो रेट की बात करें तो रिवर्स रेपो रेट वो होती है जब बैंक जो RBI जो है बैंकों से पैसा लेता है, ठीक है। ओके, यहाँ पर आंसर होगा बैंक दर, क्या बोलेंगे इसको? बैंक दर बोलेंगे, यहाँ पर ऑप्शन 5 आएगा बिल्कुल सही। चलिए अगला क्वेश्चन, ओके, लीड बैंक योजना क्वेश्चन है, लीड बैंक स्कीम जो है वो कब पारित हुई या कब शुरू हुई? चलिए बताइएगा, लीड वर्ष बैंक योजना है वो किस वर्ष प्रारंभ हुई? चलिए आंसर कमेंट करिएगा, मानवीर जी चलिए कमेंट करिए, पांडे जी चलिए, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं वीडियो को जल्दी से कमेंट करिएगा। वीडियो आज बहुत अच्छी होने वाली है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन होने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए आंसर कमेंट करिएगा क्या रहेगा। और 2:30 बजे भी वीडियो होगी भैया, क्या होगी? 2:30 बजे भी वीडियो होगी, 2 बजे नहीं होगी, 2:30 बजे, लगभग 2 बजे मैं बता दूंगा आपको, इन दी एंड हमारे पास टाइम रहेगा बिल्कुल बताएंगे, ठीक है। ऑप्शन आएगा यहाँ पर 1969, ऑप्शन थर्ड रहेगा 1969 में भैया, ऑप्शन रहेगा थर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, अनुसूचित वाणिज्य बैंक लघु उद्योग को कितने प्रतिशत प्राथमिकता क्षेत्र आधार लक्ष्य करने के लिए अनिवार्य है? ठीक है, चलिए बताइएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चलिए आंसर बताइएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, चलिए आंसर दीजिएगा फ्रेंड्स, क्या रहेगा? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आंसर दीजिएगा। ओके, यहाँ पर आएगा आंसर 10 सेकेंड मैक्सिमम मिलेंगे आपको, यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा 7.5%, यानी कि ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, DICG यानी कि निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी नियम, ठीक है, द्वारा जो है बीमाकृत प्रत्येक जमाकर्ता के लिए अधिकतम जमा राशि कितनी है? चलिए देखिएगा, ये जो है लिमिट बतानी है आपको, DICG की लिमिट कितनी है भैया? बीमाकृत जमाकर्ता की अधिकतम जो जमा राशि है उसकी लिमिट कितनी आ गया? ऑप्शन थर्ड, बहुत अच्छे पांडे, चलिए आंसर कमेंट करिएगा कोई और, यहाँ पर रहेगा थर्ड, कितना रहेगा? 1 लाख रहेगा, ठीक है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने, भुगतान बैंक खोलने, कोई क्या कहना है? भुगतान बैंक खोलने के लिए न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता होती है, अगर आप भुगतान बैंक खोलना चाह रहे हैं कोई भी तो उसके लिए न्यूनतम राशि कितनी होना चाहिए? चलिए आंसर कमेंट करिएगा, उसकी न्यूनतम इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए? आंसर कमेंट करिएगा, उसका इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए? जो अगर भुगतान जो है बैंक अगर आप खोलना चाहते हैं तो उसका न्यूनतम राशि या न्यूनतम पूंजी कितनी आवश्यक है? चलिए आंसर कमेंट करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, चलिए कमेंट करिए, क्या रहेगा? ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल, यहाँ पर मान लीजिए, चलिए अगला इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन रहेगा 100 करोड़, ऑप्शन 2 रहेगा, 100 करोड़ रहेगा, ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है पांडे जी, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, ओके, RFD की फुल फॉर्म बतानी है, RFID की फुल फॉर्म बताइए, RFID की फुल फॉर्म बताइए, क्वेश्चन को पढ़िए, 4 ऑप्शन पढ़िए और क्वेश्चन मैंने पढ़ दिया है, इसको आंसर दीजिए, क्या रहेगा क्वेश्चन? चलिए आंसर दीजिएगा फ्रेंड्स, क्या होगा आंसर? कमेंट करिएगा क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए आंसर दीजिएगा फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीन पर देखते हैं किस किस का आंसर आता है भाई। ओके, ऑप्शन आएगा यहाँ पर देखिए, 1, ओके, रेशो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, रेडियो
फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन आएगा वन। बहुत बढ़िया पांडे जी, बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, भोजन को ठंडा करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? भोजन को ठंडा अगर आप करना चाहते हैं तो उस किस चीज़ का उपयोग करेंगे? हाइड्रोजन का, द्रव नाइट्रोजन का, या नाइट्रोजन का? भोजन को आप ठंडा करना चाहते हैं, फ्रीज करना चाहते हैं फूड को, तो आंसर बताइएगा इसमें से क्या चीज़ का उपयोग करेंगे आप? हाइड्रोजन का, लिक्विड हाइड्रोजन का, लिक्विड नाइट्रोजन का, या नाइट्रोजन का? चलिए आंसर कमेंट करिएगा। जनरल साइंस क्वेश्चन में सारे मिक्स क्वेश्चन है, टेंशन नहीं लीजिएगा, सभी क्वेश्चन मिलेंगे आपको। चलिए इसे कमेंट करिएगा क्या रहेगा। बहुत ही कम स्टूडेंट्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो फ्रेंड स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट है कि सभी से कि आपको वीडियो थोड़ा सा अगर अच्छी लगे, आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ अच्छे क्वेश्चन है, तो वीडियो शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। तो आंसर रहेगा ऑप्शन थर्ड रहेगा, थर्ड मतलब कि लिक्विड नाइट्रोजन, यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर रहेगा, बिल्कुल सही पांडे जी। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। दांत, जो दांत होते हैं, दांत एनिमल मानव शरीर में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। ओके, दांत एनिमल अगर आपकी पूछ लिया जाए सबसे कठोर हड्डी कौन सी है, तो दांत आती है, ठीक है। ओके, तो जो बना होता है दांत किससे बना होता है? चलिए बताइए दांत किससे बना होता है, आंसर कमेंट करिएगा। कैल्शियम कार्बोनेट से, कैल्शियम फॉस्फेट से, कैल्शियम फ्लोराइड से, या चूना पत्थर से? तो ये चूना पत्थर से बना होता है क्या हमारा दांत? चलिए आंसर कमेंट करिएगा क्या आंसर रहेगा। छह स्टूडेंट देख रहे हैं, सभी से रिक्वेस्ट करूंगा आंसर दीजिएगा, सभी से बोलूंगा कि भाई आंसर कमेंट करिए। ऑप्शन अनिश जी, बिल्कुल गुड मॉर्निंग अनिश जी, चलिए सभी के लिए गुड मॉर्निंग। मानवी जी ऑप्शन ए, सबन पांडे जी ऑप्शन टू, बी आया यहाँ पर अनिश जी का, तो आएगा बिल्कुल बी, टू नंबर, यानी कैल्शियम फॉस्फेट। बहुत बढ़िया, कैल्शियम फॉस्फेट रहेगा। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उदाहरण है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उदाहरण क्या है? चलिए आंसर कमेंट करिएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उदाहरण क्या है, आंसर कमेंट करिएगा, देखते हैं किसका आंसर आता है। चलिए कमेंट करिएगा फ्रेंड, क्या रहेगा क्वेश्चन का आंसर। गुड मॉर्निंग, बिल्कुल आर के पी जी अपना नाम बता दिए मुझे, गुड मॉर्निंग। और चलिए आंसर कमेंट करिएगा क्या रहेगा, चलिए आंसर कमेंट करिएगा, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन टू, बेस, यानी कि क्षार रहता है, क्षार भैया क्या रहेगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या रहता है, क्षार का उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन, ठीक है, कार्बन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा असत्य है, कौन सा गलत है ये बताना है, कौन सा गलत है ये बताइएगा। चलिए पांडे जी और अनिश जी, चलिए आंसर दीजिएगा क्या रहेगा, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, कौन सा गलत है ये हमें बताना है, कार्बन के लिए कौन सी चीज़ जो है, कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है, असत्य है। आपको तीन सत्य दिए हुए हैं, एक असत्य, आंसर कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर फोर स्क्रीन पर आंसर दीजिएगा फ्रेंड्स, क्या रहेगा? चलिए अली से आंसर दीजिएगा, ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, ऑप्शन आएगा फोर, भैया जो सत्य नहीं है, खनिजों के रूप में पृथ्वी की परत में लगभग 2% कार्बन है, यहाँ पर ऑप्शन रहेगा फोर गलत है भैया, चौथा गलत है, बाकी ए बी सी बिल्कुल सही, यानी कि अधिकांश कार्बन यौगिक विद्युत के खराब सुचालक होते हैं, बिल्कुल सही भैया, अधिकांश बिल्कुल सही है, ठीक है। कार्बन अणुओं के बीच का आकर्षण बल बहुत मजबूत नहीं होता, ठीक है। ओके, कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 था, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्या है, वह स्थान जहाँ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा संपूर्ण पाचन हो जाते हैं उसे कहा जाता है। तो आपको बतानी है ऐसा चीज़ बतानी है मानव के शरीर में कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और वसा तीनों के तीनों पाचन हो जाते हैं पूर्ण रूप से। तो आंसर बताइएगा कहाँ पर, लीवर में, अमाशय में, बड़ी आंत में, या छोटी आंत में, आंसर बताइएगा फ्रेंड्स क्या रहेगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सिंपल है। ओके, अमित जी ऑप्शन आया, बहुत बढ़िया ऑप्शन आया आपका, स्मॉल छोटी आंत, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन्स, ठीक है, बिल्कुल सही ऑप्शन आ रहा है, बी भैया, बी भी आ रहा है, ठीक है। तो यार बताएगा यहाँ पर, तो आंसर का ऑप्शन फोर छोटी आंत, बहुत बढ़िया, छोटी आंत रहेगा भैया, छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जो सारी की सारी जो चीज़ें रहती तीनों की तीनों, वो एक तरीके से सोख ली जाती हैं, अवशोषित कर ली जाती हैं, इस उद्देश्य से हेतु यकृत और अग्नाशय से एंजाइम स्त्राव भी प्राप्त करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये आपके सामने है, निम्नलिखित में से गैर मादक पेय को रानी पेय पदार्थ के रूप में जाना जाता है, ठीक है, क्वीन विनीगर किसे बोलते हैं? चलिए बताइएगा क्वीन विनीगर किसे बोला जाता है। ऑप्शन आ गया चाय, बहुत अच्छा अमित जी, बहुत बढ़िया, एनी वन को आंसर कमेंट करेगा क्या रहेगा। और फ्रेंड वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूरी वीडियो देखिएगा अंत तक, जिससे कि आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा, ठीक है। आंसर रहेगा ऑप्शन या ऑप्शन टू, टी रहेगा, बहुत बढ़िया मानविन जी और अमित जी, बिल्कुल सही। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, निम्न में से कौन परजीवी पौधा है, परजीवी पौधा कौन सा, आंसर बताइएगा फ्रेंड्स, चलिए कमेंट करिए परजीवी पौधा कौन सा है, आंसर दीजिएगा परजीवी पौधा कौन सा है। ओके, चलिए आंसर दीजिएगा फ्रेंड्स क्या रहेगा। ऑप्शन आएगा यहाँ पर ऑप्शन थर्ड। ओके, मशरूम जो है परजीवी पौधा है, परजीवी पादप एक पौधा है, देखिए क्या है, पौधा है किस जो
किसी अन्य जीव पौधे से कुछ या सभी पोषक संबंधी आवश्यकताओं को प्राप्त करता है। ऑप्शन रहेगा यहाँ पर सी मशरूम रहेगा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित में से क्या जारी किया जाता है? प्रकाश संश्लेषण में क्या चीज रिलीज होती है? ऑक्सीजन रहेगा, ऑक्सीजन रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, एनर्जी निकलेगी या लाइट निकलेगी। प्रकाश संश्लेषण के दौरान किस प्रक्रिया के दौरान क्या चीज़ निकलती है? ऑक्सीजन। बहुत बढ़िया अमित जी, सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसको कई लोग स्टूडेंट जो होते हैं गलत करके आते हैं, क्योंकि उनसे पूछा गया घुमाकर क्वेश्चन अगर, तो बिल्कुल गलत कर देते हैं इसको। ठीक है, आंसर कमेंट करिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है भाई, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहेगा। ऑक्सीजन देगा भाई हमें पौधा जो होगा वो, क्या देगा पौधा? ऑक्सीजन देगा। क्या देगा? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जब पौधा करेगा तो क्या देगा हमें? ऑक्सीजन देगा, CO2 को ग्रहण करेगा, ऑक्सीजन देगा। अनिश जी और अमित जी बिल्कुल सही। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। ओके, ECG से जुड़ी बीमारी का निदान करने के लिए किया था। ECG जो है हम क्यों यूज़ करते हैं? ECG किस लिए यूज़ करते हैं? चलिए आंसर कमेंट करिएगा। किस चीज़ की बीमारी को चेक करने के लिए या उसके लिए करते हैं? ऑप्शन आ गया 2, बहुत बढ़िया, हार्ट आ गया अमित जी, बहुत बढ़िया, Anyone, आमिर जी ऑप्शन बी, बहुत अच्छे। ओके, अनिश जी ऑप्शन आ रहा है बी, यहाँ पर आएगा ऑप्शन बी, हृदय आएगा, बिल्कुल सही है। चलिए बी बिल्कुल ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन। अब आपको एक फॉर्मूला दिया है, स्थितिक ऊर्जा इक्वल टू द्रव्यमान इनटू क्या है पता नहीं है, फिर उसके बाद ऊंचाई दी है। स्थितिक ऊर्जा का आपको फॉर्मूला यहाँ पर ड्राइव करना है। चलिए आंसर दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 है, आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर 1, वेरी गुड अमित जी। चलिए कोई और आंसर कमेंट करेगा, क्या रहेगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्क्रीन पर है तो आंसर दीजिएगा भाई। चलिए आंसर दीजिएगा, क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर? ओके, यहाँ पर आंसर दीजिए भाई, क्या रहेगा? ऑप्शन आएगा यहाँ पर ऑप्शन 1, गुरुत्वाकर्षण त्वरण, क्या रहेगा? गुरुत्वाकर्षण त्वरण रहेगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही अमित जी और अनिश जी, बिल्कुल सही। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इसके बारे में सारी चीज़ें दी हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला था MgH होता है, क्या होता है? एम जी होता है, ठीक है। जी होता है ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, हाइट होता है एच और मास एम होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित जोड़ियों को सही नहीं है, मतलब ऐसी जोड़ी बनानी है आपको जो इसमें से एक सही नहीं है, जोड़ी बनी हुई है उसमें से एक सही नहीं है, तो आपको बताना है कौन सी सही नहीं है। चलिए आंसर करिए, या तो फिर सारी सही हो सकती है या फिर इनमें से एक गलत हो सकती है। चलिए आंसर दीजिएगा, क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 11 है अमित जी, ओके पांडे जी बिल्कुल सीधा पिछले क्वेश्चन का। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर? सभी लोग बताएंगे इंपॉर्टेंट है, अनिश जी ऑप्शन ए, वेरी गुड। एनीवन कोई आंसर कमेंट करेगा क्या इसमें से गलत है, कौन सी जोड़ी गलत है? यहाँ पर आ रहा ऑप्शन ए, लेकिन यहाँ पर आएगा इनमें से कोई भी गलत नहीं है भैया। नाभिक जो रहता है वो कोशिका का मास्टर कहा जाता है, कोशिका का मास्टर कहा जाता है, ठीक है। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस कहा जाएगा, बिल्कुल सही है। लाइसोसोम क्या होता है? आत्मघाती थैली होती है, ठीक है। आत्मघाती कैसी होती है? थैली कहते हैं, सुसाइड बैग भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ओके, इसमें नन ऑफ दिस आएगा, आंसर ऑप्शन 4 आएगा, बिल्कुल सही है अमित जी। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। निम्नलिखित जोड़ी में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? कौन सा सही है बोलिए, बताइए। चलिए बताइए, एक क्वेश्चन से हम तीन क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं। चलिए बताइए कौन सा सही है इसमें से, आंसर कमेंट करिए भाई, क्या रहेगा? ऑप्शन आएगा 4, पांडे जी बहुत अच्छे, एनीवन कोई आंसर कमेंट करेगा, क्या रहेगा? अमित जी ऑप्शन 4, यानी कि चारों सही बोल रहे हैं। ओके, यहाँ पर आएगा ऑप्शन 4, यानी कि बिल्कुल सही है, यानी कि प्रकाश वर्ष बिल्कुल सही दिया है, ठीक है। ओके, खगोलीय इकाई बिल्कुल सही दी है, पारसेक की दूरी भी दी है, ठीक है, एक पारसेक बराबर भी बिल्कुल सही दिया है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन 4 रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, विद्युत मोटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? विद्युत मोटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? चलिए आंसर दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्क्रीन पर, चलिए आंसर दीजिएगा। ओके, यहाँ पर अमित जी बहुत अच्छे, एनीवन कोई आंसर कमेंट करेगा, क्या रहेगा? चलिए आंसर दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्क्रीन पर, और आंसर आएंगे इसके सभी के आंसर आएंगे भाई यहाँ पर। ओके, आमिर जी ऑप्शन ए बहुत अच्छे, आमिर ऑप्शन पांडे जी ऑप्शन ए, 13 का ए, यहाँ पर आएगा माइकल फेराडे ने जो है विद्युत मोटर का आविष्कार किया। चलिए अगला क्वेश्चन पूछेंगे। जीवन को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया आवश्यक है? कौन सी प्रक्रिया आवश्यक है? वैसे चार प्रक्रिया होती है हमारे शरीर में, तो चारों में से तीन दी हैं, तो तीन आवश्यक है या फिर इसमें से कोई भी आवश्यक नहीं है? चलिए, या फिर सारी सही आवश्यक ऑप्शन आ गया, बिल्कुल यहाँ पर 4 आ रहा है अमित जी और अनिश जी, बिल्कुल सही है। चलिए अनिश जी, अमित जी बिल्कुल सही है, पोषण होगा, फिर श्वसन होगा, फिर परिवहन होगा, फिर मल त्याग होगा, ठीक है। ये चारों के चारों जो है हमारे शरीर में जो है जीने के लिए बहुत ही आवश्यक है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछेंगे अमित जी, बिल्कुल सही। चलिए अगला क्वेश्चन, सुनील जो नई फीस में स्वागत है आपका, ऑप्शन रहेगा 4, बिल्कुल सही है पांडे जी, 4 रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछिए, अगला क्वेश्चन क्या भैया? कठोर जल के लिए उपयुक्त नहीं है। कठोर जल किस चीज़ के लिए उपयोग नहीं है? कठोर जल एक्चुअल में आपने सुना होगा D2O, ड्यूटेरियम, ठीक है। तो ड्यूटेरियम जो है किस चीज़ के लिए आवश्यक नहीं है?
क्या ड्रिंकिंग कर सकते हैं इसको आप D2O को, ठीक है, या साबुन साबुन से कपड़े धो सकते हैं इससे, बॉयल ओके बॉयलर में इसका प्रयोग करेंगे, या फसलों की सिंचाई आप कर सकते हैं। तो इनमें से बताना है कौन सा कथन सत्य है। ओके 1, 2, 3 में आंसर कमेंट करिए भाई। क्वेश्चन नंबर 16 का 1, 2, 3 में करिए। ऑप्शन आ गया पांडे जी 4, आमिर जी D, ओके अनिल जी ऑप्शन D, ओके ओके यहाँ पर अमित जी बोल रहे हैं थर्ड आएगा, तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन 4, यानी कि सारे के सारे बिल्कुल सही है भैया। D2O जो रहता है वो आप पी नहीं सकते उस पानी को, कठोर जल है कहते हैं इसको, ठीक है। साबुन इसमें झाग नहीं बनाएगा, बॉयलर में ये अगर आप इसमें करेंगे तो बहुत देर में इसमें सुपर हीटेड स्टीम बनेगी और ये बॉयलर को जो है बहुत सारी क्षति भी पहुंचा सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछेंगे, ऑप्शन है आपके पास, देखिए क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ आंसर दीजिएगा। संसद में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है, राष्ट्रपति जो है वो कितने जो है लोगों को मनोनीत कर सकता है, टोटल अनिश्चित टोटल टोटल, देखिए एंग्लो इंडियंस भी इंक्लूड है इसमें, एंग्लो इंडियंस भी इंक्लूड हैं, ठीक है, एंग्लो इंडियंस भी इंक्लूड हैं, तो एंग्लो इंडियंस भी हैं भाई, एंग्लो इंडियंस कोई और बताएगा, अरे भाई 12 12 दे रहे हैं, मैं पहले ही बोल रहा हूँ अमीर अनिश जी, एंग्लो इंडियंस भी इंक्लूड हैं। तो एंग्लो इंडियंस कितने होते हैं, एंग्लो इंडियंस कितने पालित होते हैं भाई, 12। वहां पर अगर हम पूछते कि राष्ट्रपति द्वारा हटाकर एंग्लो इंडियंस को हटाकर अगर है तो 12 बिल्कुल रहता। ओके क्या अनिश जी बोल रहे हैं भैया, भैया 14 रहेंगे, 12 रहते हैं नॉर्मली जो हमारे इंडियंस रहते हैं, वो कहीं से भी किसी भी क्षेत्र से आ सकते हैं, जरूरी है वो राजनीति से रहें, ठीक है। 2 रहेंगे हमारे क्या एंग्लो इंडियंस रहेंगे, ठीक है जो, ठीक है क्या रहेगा भैया, 14 आंसर रहेगा, ठीक है सही है। चलिए अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, भारत के चुनाव आयोग द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा ऐप लॉन्च किया गया, भारत में जो चुनाव हुए थे, ओके ठीक है अमित जी बिल्कुल सही। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, भारत के चुनाव आयोग द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा ऐप लॉन्च किया गया, ऑप्शन आ गया D, बहुत अच्छे हैं अनिश जी बहुत बढ़िया। चलिए आंसर कमेंट करिए क्या रहेगा, सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे, वो वीडियो को शेयर करेंगे थोड़ा, ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगे क्वेश्चन अभी तक अच्छे लगे तो लाइक शेयर करिएगा। सुनील जी ऑप्शन 4 आया है, बहुत अच्छे, यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा, सुविधा समाधान ई सिविल जो है सिविलिज जो है वो इसमें जो है लॉन्च किया गया जो है आपको जो लोकसभा चुनाव हुए, तो ऑप्शन 4 रहेगा बिल्कुल सही। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, स्मार्ट सिटी मिशन के तहत किस राज्य को अधिकतम शहर आवंटित हुए हैं, स्मार्ट सिटी बन रही है भाई सभी को पता है स्मार्ट सिटी बन रही है, तो स्मार्ट सिटी जो बन रही है उनमें से किस शहर को सॉरी किस प्रदेश को सबसे ज्यादा जो है शहर में स्मार्ट सिटी बन जाएंगी। चलिए आंसर कमेंट करिएगा, ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, अमित जी बहुत अच्छे, एनीवन कोई और आंसर कमेंट करेगा भाई क्या रहेगा, ऑप्शन आ गया 4 4 सभी का 4 आ रहा है, पांडे जी अमित जी और ओके आमिर ओके ऑप्शन 4 यहाँ पर अनिश जी ने गुजरात कर दिया है, तो आंसर आएगा ऑप्शन फर्स्ट उत्तर प्रदेश के, देखिए उत्तर प्रदेश के 13 शहरों को जो है स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा, ठीक है गुड मॉर्निंग अतुल जी, ठीक है। और यहाँ पर देखिए तमिलनाडु और महाराष्ट्र के प्रत्येक 10 10 10 10 शहरों को जो बनाया जाएगा, गुजरात के 6 शहरों को जो रहेगा वो शहरों को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा, ऑप्शन रहेगा यहाँ पर 1, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये आपके सामने, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही नहीं है, आपको सही नहीं बताना है मतलब कि गलत बताना है। चलिए गलत आंसर बताइएगा, बंगाल का विभाजन क्या हुआ, 16 अक्टूबर 1905 हुआ हुआ या नहीं हुआ आपको बताइएगा, मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना यहाँ पर लिखी हुई है 30 दिसंबर 1906 को, ओके लखनऊ समझौता 1916 हुआ या नहीं हुआ ये आप बताना है आपको, ये नहीं बताइए कांग्रेस की स्थापना ये गलत है या नहीं है। चलिए आंसर कमेंट करिए, ऑप्शन अगर 2 ऑप्शन डी भी आ गया है, अनिश जी ऑप्शन डी कर रहे हैं यहाँ पर और अमीर जी बोल रहे हैं ऑप्शन 2 रहेगा, तो भैया डी रहेगा, कांग्रेस की स्थापना जो 28 दिसंबर 1886 को नहीं हुई थी, ठीक है बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही अतुल जी पांडे जी ये जो है गलत आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, चलिए अगला क्वेश्चन मूल देखिए ओके मूल रूप से अब आपको यहाँ पर क्या भरना है, खालिस्तान भरना है, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र क्या है, संयुक्त राष्ट्र की कार्यकर्ता कार्यरत भाषाओं के रूप में स्थापित किए गई हैं, तो देखिए पहले तो आपको ये बतानी है कौन सा देश है, कौन सी लैंग्वेज है, ठीक है कौन कौन सी लैंग्वेज यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए, पहले तो उन लैंग्वेज को यहाँ पर भरिए और आंसर कमेंट करिए। चलिए आंसर दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, अगर आप एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन पढ़ सकते हैं या 3 क्वेश्चन पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कम समय में ज़्यादा, ठीक है। आमिर जी ऑप्शन 3, ओके अतुल जी ऑप्शन 1, वेरी गुड, एनीवन को आंसर कमेंट करेगा, पांडे जी ऑप्शन 2, यहाँ पर आएगा ऑप्शन 2 भैया, मूल रूप से इंग्लिश और फ्रेंच
फ्रेंच जो है वो भाषा संयुक्त राष्ट्र के कार्यरत भाषाओं के रूप में स्थापित की गई है। मतलब कि जो ऑफिशियल वर्क होता है, जो वहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन होता है, उसमें इंग्लिश और फ्रेंच रहेगी। ठीक है, ये वहाँ का पूरा पूरा मोटो है। बिल्कुल पांडे जी, चलिए अगला क्वेश्चन। बिल्कुल पांडे जी, सही था। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये रहा आपके सामने। सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा बहुत ही सिंपल है, चलिए आंसर कमेंट करिएगा। ये मैं बता चुका हूँ आपको, एक बार ये क्वेश्चन पढ़ा चुका हूँ, आंसर दीजिएगा। ऑप्शन है क्या? सी। बहुत अच्छी, यूकेलिप्टिस। बहुत बढ़िया, यूकेलिप्टिस किसने लगाया सबसे पहले? अब क्वेश्चन है मेरा, यूकेलिप्टिस सबसे पहले किसने लगाया? ठीक है, किसने लगाया भारत में? अतुल जी, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सभी का आ रहा है भैया, कह रहेगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, कह रहेगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए मैंने पूछा किसने लगाया, या यूकेलिप्टिस का पेड़ किसने लगाया, तो ये रहेगा किसने लगाया भैया। पहली बात तो यूकेलिप्टिस का वैज्ञानिक नाम रहता है सर का अशोक, कह रहता सर का अशोक। ओके अशोक, एक अशोक का बरगद का पेड़ का रहता है वैज्ञानिक नेम फिकस वेंगलेसिस। ठीक है, इनके जो है नाम इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यूकेलिप्टिस लगाया था 1970 में, सॉरी 1790 में लगाया था, 1790 के आसपास में लगाया था। किसने लगाया था? टीपू सुल्तान ने लगाया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक फैदम कितने मीटर के बराबर होता है? एक फैदम कितने मीटर के बराबर होता है? आंसर कमेंट करिएगा, देखते हैं किस किस आंसर होता है। चलिए आंसर कमेंट करिएगा, एक फैदम किसके बराबर होता है? चलिए आंसर कमेंट करिए फ्रेंड्स। ओके आंसर रहेगा ऑप्शन, रहेगा ऑप्शन थर्ड, रहेगा 1.8288 के बराबर। ठीक है, ऑप्शन टू रहेगा अमेजी। ठीक है, ऑप्शन सॉरी ऑप्शन थर्ड रहेगा वहां पर। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए, एक फैदम बराबर होता है 1.8288 के बराबर, और ये जो रहता है वो 6 फीट के बराबर रहता है। कितने फीट के बराबर रहता है? और एक जो फैदम रहता है, पानी गहराई को मापने के लिए विशेष रूप से इस्तेमाल की जाने वाली लंबाई की एक इकाई है। अगर आपसे पूछिए फैदम क्या है, फैदम किस चीज़ के यूज़ करेंगे, तो पानी की गहराई के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, गोल्डन चावल जो होता है यानी कि गोल्डन राइस, वो पीला क्यों दिखाई देता है, यानी गोल्डन कलर का क्यों दिखाई देगा? चलिए आंसर कमेंट करिएगा। ऐसा भी आ सकता है गोल्डन राइस जो है गोल्डन या फिर पीला क्यों दिखाई देता है? बिल्कुल जमाता जी पूछिए, चलिए आंसर कमेंट करिएगा क्या रहेगा। चलिए आंसर दीजिएगा क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर, कमेंट करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, ऑप्शन आ रहा है पांडे जी वन, यहाँ पर आएगा वन, बीटा कैरोटीन के कारण जो रहता है गोल्डन चावल जो है पीला दिखाई देता है। चलिए इसके बारे में थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रकाश या ध्वनि में तेज गति किसकी होती है? प्रकाश या ध्वनि, इन दोनों में से किसकी तेज ज़्यादा गति होती है? ओके आपको बताइए, प्रकाश या ध्वनि में तेज गति किसकी होती है? प्रकाश की होगी, ध्वनि की होगी, दोनों की होगी, या निर्धारित नहीं किया जाता? चलिए आंसर दीजिए। अतुल जी ऑप्शन ये आ गया, बहुत अच्छे। अनिश जी ऑप्शन ये आ गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ओके अमित मोत, ओके अमित जी ऑनलाइन फ्री स्ट्रीम में स्वागत है आपका। चलिए अतुल जी ऑप्शन आ गया, बहुत बढ़िया, यहाँ पर ये आ गया प्रकाश की गति बिल्कुल सही दी जाएगी। अतुल जी यहाँ पर रहेगा क्या रहेगा? ऑप्शन वन बिल्कुल सही। अमीर जी ऑप्शन वन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन इसके बारे में बता देता हूँ मैं। देखिए देखिए, यदि अगर आपको देखिए, प्रकाश को यात्रा करने के लिए एक माध्यम की आवश्यक नहीं होती है। प्रकाश कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है, वो जो रहता है वो किसी मीडियम के लिए बाध्य नहीं होता है, वो वैक्यूम में भी चल सकता है। लेकिन जो है आपको, देखिए मैंने कल भी बताया था आपको कि जो लोहा जो सॉरी जो आवाज़ रहती है, जो ध्वनि रहती है, वो वाइब्रेशन से पैदा होती है। ठीक है, तो देखिए यदि प्रत्येक सेकंड में, यहाँ पर मील गति लिखा, यहाँ पर गति लिखी है, ये इतनी गति का लिखे 1,86,60,000, ओके 1,86,000, 1,86,000 मील की गति से निर्वात में गति कर सकता है प्रकाश। चलिए इसके बारे में, साउंड के बारे में लिखा है, तो साउंड भी आप यहाँ पर कैप्चर कर लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट में। चलिए अगला क्वेश्चन, लाइकेन का सबसे अच्छा संकेत क्या है? लाइकेन का संकेत क्या है? लाइकेन का इंडिकेशन क्या होता है? चलिए बताइए, लाइकेन का इंडिकेशन क्या है? वायु प्रदूषण होगा, ध्वनि प्रदूषण होगा, ध्वनि ओके ध्वनि में प्रदूषण होगा, ओके ध्वनि प्रदूषण और साउंड पोल्यूशन। ठीक है, जो दो अलग अलग हैं ध्यान रखिएगा, और या वाटर प्रदूषण। चलिए आंसर कमेंट करिएगा, जल पोल्यूशन होगा। चलिए आंसर कमेंट करिएगा क्या रहेगा यहाँ पर आंसर का, ऑप्शन फर्स्ट, एयर पोल्यूशन के लिए यूज़ करते हैं लाइकेन का। ठीक है, चलिए अगर इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हैं, तो आप वन वन बिल्कुल सही, अमित जी और आर्मी जी बिल्कुल सही है। चलिए ऑप्शन अनिश जी बिल्कुल सही है, ये आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इसको स्क्रीन शॉट लिया सपन जी और यहाँ पर अतुल जी बिल्कुल सही। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूर्य की कक्षा में चक्कर लगाने हेतु प्लूटो को कितने साल लगते हैं? प्लूटो को कितने साल लग जाते हैं? सूर्य की अगर चक्कर लगाए वो कितने साल लग जाए, एक चक्कर लगाने में प्लूटो को कितने साल लग जाते हैं, और हमारे पृथ्वी को कितने टाइम लगता है? चलिए बताइए, एक साल नहीं होता ना, आपको दिन बताने, अपने अपने जो अपने जो पृथ्वी का जो दिन है वो पृथ्वी के टोटल दिन बताने भैया। 365 बहुत लोग बोलेंगे, लेकिन 365 पॉइंट में भी बताइएगा। ठीक है, ऑप्शन आ गया, ऑप्शन आएगा ऑप्शन फोर,
ये ऑप्शन आएगा फोर। 248 साल लग जाते हैं सूर्य की परिक्रमा करने में, जो प्लेट होता है कितने हो जाते हैं उसको 248 साल लग जाते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, टाइम इट टेकन टू ऑर्बिट द सन, ठीक है। सबसे ज़्यादा सन सबसे ज़्यादा टाइम लगता है भैया, किसको लगेगा सबसे ज़्यादा टाइम लगता है यहाँ पर, किसको यहाँ पर, देखिए प्लूटो को, ठीक है प्लूटो को सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। सबसे कम टाइम लगता है यहाँ पर किसको, सबसे पहला देखिए यहाँ पर लिखा है 87, देखिए अर्थ, ठीक है अर्थ डे के हिसाब से, देखिए मर्क्यूरी को सबसे कम टाइम लगता है, ठीक है ओके। ये सारे टाइम दिए हुए हैं तो आपको स्क्रीन शॉट लीजिए, बाय डेट देखें, डेट मतलब डे मतलब कि पृथ्वी के हिसाब से कितने दिन में ये एक जो है एक परिक्रमा कर लेगा, किसकी सूरज की। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये रहा कोयले के निर्माण का पहला चरण क्या होता है। कोयले के निर्माण का पहला चरण मतलब कि स्टेज, फर्स्ट स्टेज क्या होती है कोयले की, सबसे अच्छा कोयला क्या होता है ये भी बता दीजिएगा। चलिए आंसर कमेंट करिएगा, कमेंट करिए, ऑप्शन आ गया सी, बहुत अच्छे एनीवन, यहाँ पर सबसे अच्छा कोयला नहीं बताना है, यहाँ पर मैंने पूछा था कि आपको पहली बात तो फर्स्ट स्टेज क्या होती है, सबसे अच्छा कोयला तो आपको लिख कर भेजना है, ठीक है ओके, वो लिख कर भेजना है, ठीक है। ऑप्शन आ गया अमित जी फोर, ओके ऑप्शन आ गया यहाँ पर पिट, भैया पांडे जी सबसे पहला बनेगा पिट, सबसे पहला कौन सा बनेगा पिट, सबसे अच्छा एंथ्रेसाइट होता है, एंथ्रेसाइट सबसे लास्ट में बनता है, सबसे लास्ट में आता है भैया एंथ्रेसाइट, ठीक है। यहाँ पर मैं बता दूँ देखिए क्या रहता है, चरण कैसे रहते हैं, चरण रहते हैं चार, पहले बनेगा पिट, फिर लिग्नाइट आएगा, फिर बिटुमिनस आएगा, फिर कौन सा आएगा एंथ्रेसाइट आएगा। इसी प्रकार से आप इसको पढ़ सकती हैं, याद कर पढ़ सकती हैं, सबसे अच्छा जो एंथ्रेसाइट है, फिर उसके बाद बिटुमिनस है, फिर उसके बाद लिग्नाइट है, फिर सबसे खराब कौन सा पिट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसमें से कौन सा आपके शरीर का, शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, शरीर को कौन सी चीज़ ऊर्जा प्रदान करती है, कार्बोहाइड्रेट कर सकता है क्या, वसा करेगी, विटामिन करेगा, कौन सी चीज़ इसमें से जो है आपके शरीर को ऊर्जा प्रदान करेगी। चलिए आंसर कमेंट करिएगा फ्रेंड, क्या है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चलिए आंसर दीजिएगा। पांडे जी ऑप्शन वन, वेरी गुड एनीवन, अतुल जी डी, अनिल जी ऑप्शन आएगा फोर, बहुत अच्छे, यहाँ पर आएगा ऑप्शन फोर, उपयुक्त सभी, पांडे जी, बबलू जी बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है, चलिए सुनील जी बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसमें से बिल्कुल सारी चीज़ें दी हुई हैं, जो छह पोषक तत्व होते हैं हमारे शरीर के लिए, छह इंपॉर्टेंट जो होते हैं पोषक तत्व होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज और जल। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से किस जानवर के पेट में दांत होते हैं, किस जानवर के पेट में दांत होते हैं ये सभी बताएंगे। चलिए इस प्रकार क्वेश्चन मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, करा चुका हूँ आपको, तो ये बता होगा, चलिए आंसर दीजिएगा, क्या रहेगा, बताना है जानवर के, किस जानवर के पेट में दांत पाए जाते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आंसर दीजिएगा। हमें जो ऑप्शन डी, ओके क्वेश्चन नंबर 10 आ गया, चलिए आंसर दीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं सोचेंगे भाई क्या इस प्रकार क्वेश्चन भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। अतुल जी ऑप्शन डी बहुत अच्छे, पांडे जी ऑप्शन टू, अनिल जी ऑप्शन डी, तो भैया यहाँ पर आएगा ऑप्शन टू, केकड़े, केकड़े के जिस जो पेट में रहते हैं वो कहाँ रहते हैं, उसके पेट में दांत रहते हैं, ऑप्शन आएगा टू, ऑप्शन टू बिल्कुल सही। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, सभी का नाम लिखा है, वैज्ञानिक नेम लिखा है, तो जल्दी से आंसर जी इसको स्क्रीन शॉट लीजिए, क्या करना है स्क्रीन शॉट ले लीजिए, सभी के जो है आपको नेम दिख रहे हैं, वैज्ञानिक नेम, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है वैज्ञानिक नियम आ जाएंगे या तो फिर ये आ जाएगा। चलिए आंसर देगा, निम्नलिखित में कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है, जीवाश्म ईंधन कौन सा नहीं है, ये पर्सन और से एक क्वेश्चन था उसमें से रिपीट हुआ है। चलिए जीवाश्म ईंधन कौन सा नहीं है, जीवाश्म ईंधन कौन सा नहीं है, नेचुरल गैस, यूरेनियम, कोयला या पेट्रोलियम। सेडिमेंटेशन करके जो भी बनाया जाएगा वो कैसा रहेगा, नेचुरल गैस, नेचुरल रहेगा, ठीक है मतलब जीवाश्म रहेगा, नेचुरल नहीं जीवाश्म रहेगा। ऑप्शन आएगा पांडे जी ऑप्शन वन, अमित जी ऑप्शन बी, अतुल जी ऑप्शन बी, बिल्कुल सही यूरेनियम रहेगा, यूरेनियम जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है, क्योंकि इसे सेडिमेंटेशन के द्वारा नहीं बनाया जाता, बनाया नहीं जाता, ऑलरेडी हमें मिलता है बना हुआ है ऑलरेडी, ठीक है ओके। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसके बारे में सारी चीज़ें लिखी हैं, तो देखिए यूरेनियम जीवाश्म ईंधन नहीं है, जबकि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो है कैसी है, जीवाश्म ईंधन है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, यूरेनियम के बारे में लिखा है, ठीक है अगला क्वेश्चन, सूर्य का अध्ययन कहा जाता है, सूर्य के अध्ययन को आप क्या कहते हैं, चलिए आंसर कमेंट करिएगा, सूर्य के अध्ययन को क्या कहलाता है, सूर्य के अध्ययन या सूर्य के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, चलिए आंसर कमेंट करिएगा। ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ भाई, जल्दी से कमेंट करिएगा, देखते हैं 10 सेकंड में किसका आंसर आता है। चलिए कमेंट करिए फ्रेंड्स, ऑप्शन आएगा पांडे जी थर्ड, बहुत अच्छे एनीवन, अतुल जी थर्ड, बिल्कुल यहाँ पर रहेगा थर्ड, हेलियोसिस्मोलॉजी, हेलियोसिस्मोलॉजी यहाँ पर ऑप्शन सी रहेगा, बिल्कुल सही अनिल जी, अतुल जी, पांडे जी बिल्कुल सही, अमीर जी बिल्कुल सही। चलिए ये सारी चीज़ें लिखी हैं, किसको क्या बोलते हैं, किस लिए यूज़ करा जाता है, ये सारी चीज़ें लिखी हैं, स्क्रीन शॉट लीजिए, आराम से पढ़िएगा, ठीक है ओके। इसको भी लीजिए, इसको तो हमने पढ़ लिया है, ये सारी सन वगैरह ली हैं, कब इसको ढूंढा गया, किसने ढूंढा, क्या है सब कुछ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर समताप मंडल के बारे में सत्य है, समताप मंडल के बारे में सत्य क्या है, चलिए आंसर दीजिएगा।
क्वेश्चन को पढ़िए पहले, क्वेश्चन को नहीं पहले ऑप्शंस को पढ़िए, फिर आंसर दिए। क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है, आंसर दिए, ठीक है। क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ उसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। जल्दी से, इससे जल्दी हमारा क्वेश्चन जो है निपटेगा, ठीक है। ऑप्शन आ गया पंडित वन, वेरी गुड। एनी वन कोई आंसर कमेंट करेगा यहाँ पर? 10 सेकेंड भाई हो चुके हैं, 10 सेकेंड मैक्सिमम हो गया। आपका आंसर रहेगा, ये कैसी रहती है भाई? एक बहुत ही शुष्क ड्राई रहती है। कैसा रहता है? समताप मंडल जो रहता है वो कैसा रहता है? ड्राई रहती है, वो सत्य है बिल्कुल। ऑप्शन रहेगा थर्ड, बिल्कुल सही, ठीक है। ऑप्शन भाई थर्ड रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, पानी में कौन सा प्रदूषण, पानी में कौन सा प्रदूषक जो है ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण था? ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण क्या रहता है? चलिए आंसर दीजिएगा, ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण क्या रहता है? ये बहुत ही, देखिए बता दूं, ये बहुत एग्जाम में ऐसा नहीं है कि आता नहीं, आया नहीं, आया है, लेकिन लोग बाग इसे पढ़ते नहीं है क्योंकि इसमें ज़्यादातर इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, ठीक है। आंसर दीजिएगा क्या रहेगा? ये सिर्फ हमें बस ये बताना है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके कारण होता है। अमीर जी ऑप्शन बी, पांडे जी ऑप्शन बी, यहाँ पर आए ऑप्शन आ गया बी भैया, तो आएगा नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स के कारण ये होता है, नाइट्रेट्स के कारण ये होता है। चलिए इसमें थोड़ा मैं बता दूँ आपको, देखिए ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है सबसे आम कारण नाइट्रोजन के प्रदूषण प्रदूषण पानी से होता है। नाइट्रेट समुद्र पानी के साथ बने एक बच्चे के क्या बच्चे में बच्चे में क्या बच्चे में पाए जो बच्चे में जो पीए फॉर्मूले के बाद सही नाइट्रोजन को नाइट्रोजन से परिवर्तित करता है, नाइट्रेट्स को नाइट्रोजन परिवर्तित करता है, ठीक है। ये नाइट्रेट्स शरीर में हीमोग्लोबिन से संबंध हीमोग्लोबिन को बांध देते हैं, अलग अलग बांध देते हैं और मेटाग्लोबिन बनाते हैं जो कि ऑक्सीजन लेने में क्या होता है, असमर्थ होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, तास किस देश की समाचार एजेंसी है? तास एक नाम है, तास बताइए, तास जो है किस देश की समाचार एजेंसी? चलिए कमेंट करिए, चलिए आंसर कमेंट करिए फ्रेंड्स, क्या रहेगा? थोड़ा सा हम डिटेल भी देख रहे हैं क्योंकि डिटेल इसलिए देख रहे हैं क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आए हुए हैं। अतुल जी ऑप्शन ए आया, बहुत बढ़िया। पांडे जी ऑप्शन ए, तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए रशिया, बहुत बढ़िया ऑप्शन रहेगा रशिया, बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, सुनील जी बिल्कुल सही। चलिए कंट्री देखा है आपके पास, एजेंसी लिखी है, ताश कहाँ की है? रशिया की। इटली की का है? अंसा है, ठीक है। चाइना की सिंगवा है, ओके। जापान की क्या है? क्यूडो है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, इसके बारे में ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं तो आप पढ़ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन जिसको बोलेंगे नाटो, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? चलिए आंसर दीजिएगा, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ओके, इसको बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। चलिए देगा ऑप्शन आ गया अतुल जी टू, वेरी गुड। एनी वन कोई आंसर कमेंट करेगा? अमित जी चलिए आंसर कमेंट करिए। पांडे जी ऑप्शन फोर, बहुत अच्छे। यहाँ पर आएगा ऑप्शन फोर ब्रूसलेस, ब्रूसेल्स, ठीक है। ब्रूसेल्स ऑप्शन फोर बिल्कुल सही, ऑप्शन टी बिल्कुल सही, मानवन जी बिल्कुल सही, अमित जी बिल्कुल सही, विपुल जी बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसके बारे में सारी चीज़ें लिखी हैं, ओके। ये सारी चीज़ें आपको पहली बात तो उसको स्क्रीन शॉट लेना है, ठीक है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसके बारे में ओके फाउंडर वगैरह सब कुछ लिखा है तो आप इसको पढ़ सकते हैं आराम से, ठीक है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन, वह मनुष्य जो वाइन बनाने में विशेषज्ञ है, वाइन बनाने वाला क्या कहलाता है? चलिए बताइएगा, वाइन बनाने वाला क्या कहलाता है? आंसर कमेंट करिएगा। ये क्वेश्चन आया, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं आया है, आंसर बताइएगा, वाइन बनाने वाले इंसान को या व्यक्ति को क्या कहते हैं? 10 सेकंड कंप्लीट, हमारे आंसर आएगा ऑप्शन टू, ओनोलॉजिस्ट, कह रहेगा ओनोलॉजिस्ट कहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, ओके ओनोलॉजिस्ट कहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे यहाँ पर, इरा टिश्यू कल्चर का जनक कौन है? टिश्यू कल्चर के फादर किसे कहते हैं? टिश्यू कल्चर का फादर किसको कहते हैं? चलिए आंसर दीजिएगा, टिश्यू कल्चर के फादर कौन है? आंसर दीजिएगा। चलिए जल्दी से आंसर कमेंट करिएगा फ्रेंड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। ऑप्शन आ गया तो जी थर्ड, वेरी गुड। एनीवन को आंसर कमेंट करेगा फ्रेंड्स? 9 स्टूडेंट देख रहे हैं फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करिएगा। क्या करना है भाई? लाइक और शेयर करिएगा अपने जो ग्रुप है फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप, यहाँ पर आएगा ऑप्शन आएगा फोर मिया हरल हव हवरल क्या है हबरलैंड, हवरलैंड जिस प्रकार सा एक नाम है, कुछ अजीब सा नाम है लेकिन यही नाम है भैया, ठीक है, आपको ये याद करना है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसके बारे में इंपॉर्टेंट लिखी है चीज़ें जिसको स्क्रीन शॉट लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, IMF क्या IMF के 189वें सदस्य का सदस्य के रूप में किस देश ने जो है किस देश ने जो है देश कौन सा देश जो है शामिल हुआ है? IMF में 89 वाला देश कौन सा है? 189 वाला देश कौन सा शामिल हो गया? चलिए आंसर कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, देखते हैं किस किस का आंसर आता है। चलिए आंसर दीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत स्लो स्लो कमेंट आ रहे हैं, क्या बात है भाई? अमित जी ऑप्शन टू, बहुत अच्छे हैं अमित जी ऑप्शन ए, यहाँ पर आएगा ऑप्शन वन, बहुत बढ़िया। नौरू बिल्कुल सही है, नौरू ने 189वें नंबर के सदस्य के रूप में IMF में शामिल हुआ है।
चलिए इसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन लिखिए नेहरू के बारे में, तो नेहरू के बारे में ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, रेडियोथेरेपी में उपयोग किए जाने वाला नोवल गैस कौन सी है? रेडियोथेरेपी में कौन सी नोवल गैस उपयोग की जाती है रेडियोथेरेपी में? चलिए बताइएगा रेडियोथेरेपी में कौन सी नोवल गैस का उपयोग किया जाता है, आंसर बताइएगा। फ्रेंड वीडियो को शेयर करिए भाई, क्या बात है शेयर नहीं हो रही, वीडियो शेयर करिए और लाइक्स भी कम है, तो फ्रेंड अगर वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक करिएगा। चलिए आंसर दीजिएगा, ऑप्शन आ रहा है भाई जल्दी से, क्वेश्चन नंबर वन आ गया, सेट चेंज हो गया हमारा, वन से स्टार्ट हो गया इसका मतलब सेट चेंज हो गया। अमीर जी ऑप्शन बढ़िया, बहुत बढ़िया, सी आ गया है, यहाँ पर आएगा ऑप्शन सी रिडोम, बहुत बढ़िया, क्या आएगा रिडोम। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, बहुत छोटा सा समय अंतराल सही ढंग से मापा जाता है? आपको बताना है बहुत छोटा सा समय अंतराल दिया आपको, नैनो सेकंड्स में दिया है, तो उस नैनो सेकंड्स को सही ढंग से मापने के लिए किस चीज़ का उपयोग करेंगे आप? चलिए आंसर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर टू, चलिए आंसर दीजिएगा फ्रेंड्स, क्या होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, आंसर दीजिएगा क्या होगा, चलिए लिख आंसर दीजिएगा फ्रेंड्स, क्या होने वाला आंसर? नहीं आ रहा आंसर, ऑप्शन है थर्ड, कह रहेगा पांडे जी बिल्कुल सही, अमीर जी यहाँ पर सी, बिल्कुल अमीर जी पांडे जी बिल्कुल सही, चलिए कह रहेगा यहाँ पर ऑप्शन रहेगा सी परमाणु घड़ी। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये आपके सामने, विद्युत क्षमता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? विद्युत क्षमता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? आंसर दीजिएगा किस उपकरण का उपयोग करेंगे विद्युत क्षमता को, जो है विद्युत क्षमता को मापने के लिए? चलिए आंसर कमेंट करिएगा, ऑप्शन एगा वन, बहुत अच्छे अमित जी, कोई और पांडे जी ऑप्शन वन, यहाँ पर आएगा ऑप्शन थर्ड वोल्ट मीटर, बिल्कुल सही अमित जी बिल्कुल सही, वोल्ट मीटर का आप उपयोग करेंगे, किसका करेंगे वोल्ट मीटर का। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, ध्वनि की गति के साथ बदलती है, ध्वनि की गति किसके साथ बदलती है? प्रिय ओके प्रिय प्रकाश जी ऑनलाइन सिस्टम में स्वागत है, पिछले क्वेश्चन का सी था लेकिन इस क्वेश्चन को बताइए, क्वेश्चन नंबर फोर है, आंसर दीजिएगा अतुल जी आमिर जी पांडे जी अमित जी सभी आंसर देंगे, अनिश जी चलिए आंसर कमेंट करिए इस क्वेश्चन का, आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फोर है, मैक्सिमम 10 to 15 सेकंड मात्र, अमित जी ऑप्शन सी बहुत अच्छे, बबलू जी ऑप्शन टू, प्रियंका जी ऑप्शन थर्ड, आएगा ऑप्शन थर्ड, क्या आएगा आद्रता और तापमान दोनों हम ध्वनि की जो है गति पर निर्भर करती हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, सुनार का संक्षेप क्या है, सुनार का फुल फॉर्म क्या है? चलिए देखिए सुनार किस लिए यूज होता है ये भी लिख कर भेजिएगा, सुनार किस लिए यूज होता है ये भी लिख कर भेजिएगा, और सुनार की फुल फॉर्म भी बताइएगा क्या है क्वेश्चन, बिल्कुल ऑप्शन थर्ड प्रिया, ओके प्रिया जी अमित जी अतुल जी बिल्कुल सही था, चलिए आंसर कमेंट करिए, और फ्रेंड वीडियो थोड़ा सा जो है शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, ठीक है। बबलू जी ऑप्शन फोर बहुत अच्छे, चलिए आंसर दीजिएगा क्या रहेगा, ऑप्शन फोर बबलू जी प्रियंका जी ऑप्शन फोर आ रहा है, बिल्कुल सही है। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन और रेंजिंग बोलेंगे इसे, ये कहाँ पर यूज़ होता है? ये होता है समुद्रों में गहराई को यूज़ करने के लिए, गहराई कितनी है या फिर समुद्र में कौन सी चीज़ कहाँ पर, रेडार के लिए, रेडार जो हम यूज़ करते हैं ना इसे आसमान में, मतलब जो एयर में कौन सी चीज़ कहाँ पर, समुद्र में, बिल्कुल सही है। चलिए किसमें सबमरीन और जो होते हैं बड़े बड़े जहाजों में इस चीज़ का यूज़ किया जाता है, इसके बारे में साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग के बारे में लिखा हुआ है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन, आरएनए किससे बना, आरएनए के किनारे किससे बने होते? चलिए तो ये आरएनए किससे बना होता है या आरएनए के किनारे किससे बने होते, चलिए बताइए फ्रेंड्स आरएनए किससे बना होता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चलिए आंसर दीजिएगा फ्रेंड क्या रहेगा, और फ्रेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहे हैं सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ऑप्शन है फोर बहुत बढ़िया प्रिया जी ऑप्शन फोर, यहाँ पर रहेगा ऑप्शन फोर राइबोस सरकरा, ठीक है फॉस्फेट ओके और नाइट्रोजन सभी से जो रहता है जो आरएनए बना होता है आरएनए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे ऑप्शन फोर बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 100 से अधिक विभिन्न एंजाइम सक्रिय करता है? 100 से अधिक अलग अलग जो एंजाइम है वो कौन विटामिन जो है कौन सा विटामिन जो है वो सक्रिय करता है? चलिए आंसर बताइएगा एक्टिवेट करता है कौन सा जो है विटामिन जो है 100 से अधिक जो है एंजाइम को जो है एक्टिवेट करता है? ऑप्शन आएगा फर्स्ट, ऑप्शन ए फर्स्ट आएगा, वेरी गुड एनीवन, कोई और बताएगा प्रिया जी और पांडे जी का आंसर तो आएगा अतुल जी, यहाँ पर आंसर करिए अमित जी ऑप्शन बी बहुत अच्छे, अमित जी ऑप्शन बहुत अच्छे, चलिए आंसर आ रहा है ऑप्शन वन, ऑप्शन टू आ रहा है, ऑप्शन फोर्थ भी आ रहा है, तो ऑप्शन टू रहेगा विटामिन बी, भैया विटामिन बी रहेगा जो 100 से अधिक जो है एंजाइम को सक्रिय करता है। अगला क्वेश्चन, ठीक है क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा सा सिंपल है, ठीक है थोड़ा सिंपल है, ये कई बार आया एग्जाम में, को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है क्योंकि यह निर्देशों का अनुदान और गणना करता है? प्रीति जी ऑनलाइन सिस्टम में स्वागत है, अगला क्वेश्चन है इसका आंसर दीजिएगा, ऑप्शन टू पिछले का बिल्कुल सही था, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर एट है, आंसर दीजिएगा क्या रहेगा क्वेश्चन का आंसर? ऑप्शन डी बहुत अच्छे एनीवन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन भाई, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, 7 स्टूडेंट हैं, 7 के 7 स्टूडेंट जो होंगे यहाँ पर आंसर देंगे।
ऑप्शन आया प्रिया जी, मैंने देख लिया प्रीति जी, बिल्कुल बबली जी, ऑप्शन फोर बिल्कुल रहेगा, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग सिस्टम बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन। ओके बिल्कुल सही अग्नि जी, अतुल जी बिल्कुल सही। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़िए। फल सब्जी और अनाज से निम्नलिखित में से क्या प्राप्त किया जाता है? तो देखिए एक कॉमन चीज़ है, कोई एक कॉमन चीज़ मिलती है फल में से, सब्जी में से और अनाज में से, तो वो कौन सी चीज़ मिलती है? चलिए आंसर दीजिएगा, ऐसी कौन सी चीज़ है फल सब्जी और अनाज में से अनाज में पाई जाती है, कॉमन है वो चीज़ इन तीनों में, आंसर दीजिएगा फ्रेंड्स क्या रहेगा। चलिए आंसर दीजिएगा फ्रेंड्स क्या रहेगा क्वेश्चन का आंसर। अमित जी ऑप्शन थर्ड, वेरी गुड एनीवन। ओके प्रिया जी ऑप्शन टू, ओके शपन पांडे जी बिल्कुल आंसर कमेंट करिए, अतुल जी ऑप्शन थर्ड आ गया, प्रियंका प्रीति ऑप्शन टू ऑप्शन वन, तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन वन, मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड हो जाता है सब्जी फल और अनाज तीनों में कॉमन पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में कितने परतें हैं? वायुमंडल को कितनी परतों में बांटा गया? ए बी सी डी में आंसर कमेंट करिएगा, या ए बी सी डी में या फिर 1 2 3 में कमेंट करिएगा। पांडे जी चलिए कमेंट करिए, प्रिया जी प्रीति यहाँ पर, अतुल जी और यहाँ पर अमित जी, चलिए आंसर कमेंट करिए क्या रहेगा आंसर, और वीडियो को शेयर करिएगा फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, ठीक है। पांडे जी थर्ड बहुत अच्छे, प्रिया जी ऑप्शन फोर बहुत अच्छे, यहाँ पर रहेगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि पाँच भैया, पाँच परतें हमारे यहाँ पर कितनी हैं वायुमंडल में, अलग अलग तरह की पाँच परतें हैं, ठीक है, टोटल कितनी है पाँच परतें हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ओके मैंने ऑलरेडी बता दिया ये क्वेश्चन जो है, ऑलरेडी मैंने बता दिया कितनी कितनी परतें रहती हैं कौन कौन सी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या रहेगा, ओके गैस्ट्रिक ग्रंथियों द्वारा रोजाना हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा कितने लीटर जो है, कितने लीटर हाइड्रोक्लोरिक जो है एसिड हमारे शरीर में से निकलता है? चलिए दी हाइड्रोक्लोरिक जो है एसिड कितने लीटर निकलता है आंसर बताइएगा। ऑप्शन आएगा 11वें का 2, वॉरी वेरी गुड पांडे जी ऑप्शन 2, प्रीति ऑप्शन 2, पांडे जी ऑप्शन 2, यहाँ पर आएगा ऑप्शन थर्ड, कह रहेगा थर्ड 2 लीटर के समथिंग, कितना अतुल जी बहुत बढ़िया 2 लीटर बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, 2 लीटर बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसके बारे में पीएच वैल्यूज लिखी हैं, तो सभी की पीएच वैल्यू लिखी हैं, तो आपको क्या करना है स्क्रीनशॉट लेना है। अगर आपको याद है पीएच वैल्यूज तो कोई दिक्कत नहीं है, पीएच वैल्यू आपको याद है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर याद नहीं है तो इनको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला भी पीएच वैल्यूज लिख रही हैं तो इनको भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आप जो वीडियो के बाद में इसको आराम से पढ़िएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के चंद्रमा की लगभग कितनी दूरी है? पृथ्वी जो है, पृथ्वी से चंद्रमा लगभग कितने दूर है? तो आंसर कमेंट करना, पृथ्वी से चंद्रमा कितनी दूरी पर, आंसर कमेंट करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते किसका आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 13, 10 to 15 सेकेंड, चलिए आंसर कमेंट करिएगा। ऑप्शन है क्या पांडे जी थर्ड, बिल्कुल बबली जी ऑप्शन थर्ड, प्रियंका जी ऑप्शन थर्ड, ओके प्रीति जी ऑप्शन थर्ड आया बहुत बढ़िया, ओके अतुल जी ऑप्शन सी थर्ड, ओके प्रियंका जी ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही है। भैया क्या आएगा भैया 384000 बिल्कुल रहेगा, ओके ये सारी चीज़ें दी हैं, किलोमीटर में दिया है, ठीक है। चलिए आंसर कमेंट करिए, ठीक है अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये आपके सामने, ओके ये सारी चीज़ें दी हैं भैया, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के साथ शुरू होने वाली मेमोरी क्या कहलाती है? जैसे आप कंप्यूटर स्टार्ट करेंगे वो मेमोरी स्टार्ट हो जाएगी, वो अपना काम करना शुरू कर देगी, तो वो कौन सी मेमोरी होती है वो अपना काम करना शुरू करेगी? रैम, रोम, सेकंड मेमोरी, सीपीयू तो यहाँ पर रहेगा नहीं, सीपीयू कटा दीजिए, यहाँ पर आपको बतानी है। ऑप्शन आ गया फर्स्ट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एनीवन को यार आंसर कमेंट करेगा। चलिए आंसर कमेंट करिए, ऑप्शन आया पांडे जी ए, प्रीति जी ऑप्शन ए, प्रीति जी ऑप्शन टू सॉरी अतुल जी वन, तो यहाँ पर रहेगा प्रीति जी बिल्कुल सही है। रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी जो रहती है आप जब कंप्यूटर स्टार्ट करेंगे तभी वो स्टार्ट हो जाती है, ओके रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है नहीं रहेगा यहाँ पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन रहेगा स्क्रीन पर, पृथ्वी का द्रव्यमान होती है, भैया पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? आंसर कमेंट करिए, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? और फ्रेंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करिएगा। चलिए आंसर दीजिएगा क्या रहेगा क्वेश्चन का आंसर, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? चलिए आंसर, कोई बात नहीं अतुल जी, चलिए आंसर कमेंट करिए क्या रहेगा। ओके पांडे जी ऑप्शन टू बहुत अच्छे, एनीवन, ओके प्रिया जी ऑप्शन टू और अमित जी ऑप्शन, ओके अमित जी, ओके प्रीति ऑप्शन टू, ओके अमित जी ऑप्शन टू, चलिए आंसर है ऑप्शन टू, 6 × 10⁻², बिल्कुल सही है पतुल जी, प्रिया जी, ओके अमित जी बिल्कुल सही, पांडे जी बिल्कुल सही। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, पिंड द्वारा अपनी स्थिति के कारण होने वाले ऊर्जा को क्या कहा जाता है? पिंड द्वारा अपनी स्थिति के कारण होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? चलिए आंसर दीजिएगा, काइनेटिक ऊर्जा कहेंगे, हीट एनर्जी कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे, या केमिकल एनर्जी कहेंगे? पिंड में खुद के ही एक एनर्जी रहती है, वो खुद की एनर्जी को क्या कहेंगे? पिंड की एक कोई भी एनर्जी रहती है किसी भी पिंड की, तो ऑप्शन आ गया थर्ड बहुत अच्छे, 16 आ गया, 16 का थर्ड आ गया प्रीति अमित जी थर्ड बहुत अच्छे, यहाँ पर आएगा ऑप्शन थर्ड, क्या आएगा? पोटेंशियल एनर्जी, क्या बोलेंगे भैया?
पोटेंशियल एनर्जी अस्थितिक ऊर्जा बोलेंगे, ऑप्शन देगा थर्ड बबुली जी, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन, भ्रूण और भ्रूण जीवन में लाल रक्त कोशिकाओं से बने होते हैं, भ्रूण और भ्रूण जीवन जो होता है वो लाल रक्त जो कोशिकाएं होती हैं वो किसमें बनती हैं, कोशिकाएं किसमें बनती हैं, चलिए बताइएगा, अस्थि मज्जा और यकृत, ओके प्लाही और यकृत से, यकृत और गुर्दा आएगा या गुर्दा और फेफड़े आएगा, चलिए आंसर कमेंट करिएगा फ्रेंड्स, क्या रहेगा क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए आंसर करिए, फर्स्ट आ गया बहुत अच्छे पांडे जी। चलिए कोई और आंसर कमेंट करेगा यहाँ पर, प्रीति वन सभी लोगों का बना रहा है यहाँ पर रहेगा टू प्लाही और यकृत, ऑप्शन रहेगा टू। अगर फ्रेंड्स आपको ऐसा लगा कि क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत है तो मुझे जरूर बताइएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर मुझे पोस्ट शेयर करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, नवजात शिशु में नरम हड्डियों की संख्या कितनी होती है, नरम हड्डियों की संख्या नवजात शिशु में कितनी होती है, चलिए आंसर कमेंट करिएगा। RRB ELP में क्वेश्चन आया था भाई, RRB ELP में क्वेश्चन पूछा गया, आई थिंक ग्रुप डी में भी आया था इस प्रकार क्वेश्चन। अमित जी ऑप्शन आ गया है थर्ड, बहुत अच्छे पांडे जी ऑप्शन आ गया है 333, बिल्कुल सही है, ओके ओके यहाँ पर आ रहा है थर्ड, प्रीति जी थर्ड, तो भैया थर्ड बिल्कुल सही है। देखिए वैसे होता है 300 से लेकर 350, लेकिन जो मर्ज जाती हैं उसके बाद 300 बचती हैं उसके बाद फुल होती हैं वो 208 हो जाती हैं, ठीक है थर्ड बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, लैरिंग्स क्या है, लैरिंग्स ठीक है, लैरिंग्स से बना होता है, लैरिंग्स किससे बना होता है, चलिए तो ये क्वेश्चन है, लैरिंग्स किससे बना होता है, लैरिंग्स बॉक्स किससे बना होता है, आंसर कमेंट करिएगा, बायोलॉजी क्वेश्चन, चलिए आंसर कमेंट करिएगा फ्रेंड्स, क्या है क्वेश्चन भाई, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ठीक है। प्रीति जी ऑप्शन थर्ड, पांडे जी ऑप्शन फोर, यहाँ पर आएगा ऑप्शन टू, क्या आएगा ऑप्शन टू, क्या आएगा कार्टिलेज, ऑप्शन टू कार्टिलेज, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, किताब और रेहाल, किताब और रेहाल के लेखक कौन है, किताब और रेहाल के लेखक, चलिए बताइए जी के क्वेश्चन, किताब और रेहाल के लेखक का आंसर दे, क्या रहेगा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चलिए आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आंसर दीजिएगा फ्रेंड्स, क्या होगा, अतुल जी ऑप्शन आएगा 21, वेरी गुड, एनीवन कोई आंसर कमेंट करेगा, क्या रहेगा, प्रीति जी ऑप्शन आएगा 1, अतुल जी ऑप्शन थर्ड, स्वपन पांडे जी ऑप्शन थर्ड, यहाँ पर थर्ड आएगा इब्ने बतूता, इब्ने बतूता ने लिखी किताब और रेहाल, बिल्कुल सही है प्रीति, बिल्कुल सही। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, ओके अगला क्वेश्चन पूछा है, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची चार राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है, ठीक है, तो ये कौन से राज्य हैं, चार राज्यों के आंसर बताने हैं, चार राज्य बताने हैं, चलिए आंसर कमेंट करिएगा। भारतीय संविधान की 26वीं अनुसूची के अनुसूची में चार राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित ये जो है छठी अनुसूची है, वो चार ऐसे कौन से प्रदेश हैं, ऐसे कौन से राज्य हैं, इनका आंसर कमेंट करना है, चलिए आंसर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है प्रिया जी, ओके यहाँ पर अमित जी, अतुल जी और यहाँ पर प्रीति जी, चलिए आंसर कमेंट करिए, प्रिया जी ऑप्शन आ गया फोर, बहुत अच्छे, यहाँ पर पांडे जी ऑप्शन फोर बोल रहे हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर रहेगा ऑप्शन टू, लेकिन क्या रहेगा, आसाम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बांधता है, बांग्लादेश के साथ कौन सा प्रदेश जो है सीमा नहीं बांधता है, आंसर कमेंट करिएगा, सिंपल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चलिए आंसर दीजिएगा। अतुल जी ऑप्शन फोर, वेरी गुड, एनीवन कोई आंसर कमेंट करेगा, क्या रहेगा, चलिए आंसर दीजिएगा फ्रेंड, क्या रहेगा, सिंपल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चलिए आंसर दीजिएगा फ्रेंड, क्या रहेगा, यहाँ पर रहेगा ऑप्शन थर्ड मणिपुर, क्या रहेगा मणिपुर रहेगा, ठीक है ओके। तो देखिए पहले बता दूं मैं आपको, बांग्लादेश और भारत में दुनिया की सबसे पांचवी सबसे लंबी जो होती है सीमा है, कितने 4096 किलोमीटर की, यानी कि अगर मील की बात करें 2545 किलोमीटर मील की है, ठीक है, इसमें सारे प्रदेश लिखे हैं, ठीक है सारे प्रदेश लिखे, सारे के सारे प्रदेश लिखे, कौन कौन से प्रदेश जो रहते हैं वो इसमें सीमा से टच करते हैं, ठीक है, आसाम है, त्रिपुरा है, मिजोरम है और मेघालय है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश की जमुना नदी किस भारत में किस नाम से जानी जाती है, जो आपको बता रहे हैं बांग्लादेश की कौन सी नदी है जो जमुना नदी कहते हैं बांग्लादेश में, लेकिन भारत में कहेंगे उसको क्या, वो आपको बताना है, चलिए आंसर कमेंट करिएगा, यमुना कहेंगे, तिस्ता कहेंगे, ब्रह्मपुत्र कहेंगे या गंगा कहेंगे, तो यमुना तो हटाई दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन तो ये कह रहेगा, इसका क्वेश्चन कहाँ से, यमुना हटा दीजिए भाई, यमुना को यमुना नहीं बोलेंगे, चलिए आंसर कमेंट करिए, यहाँ पर आएगा ऑप्शन थर्ड ब्रह्मपुत्र कहेंगे, क्या रहेगा भैया, ब्रह्मपुत्र रहेगा, ऑप्शन रहेगा थर्ड, ठीक है बिल्कुल सही पांडे जी, अमित जी बिल्कुल सही। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये रहा आपके सामने, ऑक्सीजन अणु में दो परमाणु एकजुट होते हैं, ऑक्सीजन में दो अणु होते हैं तो वो दोनों परमाणु किस चीज़ से कैसे बॉन्ड होता है, उसमें किस प्रकार का बॉन्ड होगा, एक बंद होगा
टू बॉन्ड होंगे, थ्री बॉन्ड होंगे या फोर बॉन्ड होंगे, चलिए आंसर कमेंट करिएगा। ऑक्सीजन ऑक्सीजन ओ टू बताइएगा इसमें कितने बॉन्ड होते हैं, आंसर कमेंट करिए। अतुल जी ऑप्शन टू, परिधि ऑप्शन टू, बिल्कुल यहाँ पर आएगा ऑप्शन आएगा फोर। तो चार बॉन्ड होते हैं भैया, चार रहते हैं बॉन्ड, कितने रहते हैं, चार बॉन्ड रहते हैं, ठीक है ओ टू, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, श्वास के लिए गहरे समुद्र में गोताखोर द्वारा इस्तेमाल की गई वायु को वायु में नाइट्रोजन के लिए अक्रिय गैस का प्रतिस्थापन किया जाता है, वो अक्रिय गैस कौन सी है। चलिए अक्रिय गैस कौन सी जो गोताखोर यूज करते हैं, चलिए आंसर करिएगा। नाइट्रोजन के लिए कौन सी यूज की जाती है जो अक्रिय गैस में के लिए प्रयोग की जाती है, ऑप्शन आएगा फोर, पिया जी, प्रीति जी, पांडे जी, ऑप्शन फोर आ रहा है, बहुत अच्छे, यहाँ पर आएगा ऑप्शन फोर, हीलियम आएगा, बहुत बढ़िया अमित जी, ऑप्शन फोर आएगा, हीलियम आएगा, बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, पीएच मान की खोज किसने करी, पीएच मान की खोज किसने करी है, वन से लेकर 14 तक होता है, 7 जो रहता है न्यूट्रल रहता है, न्यूट्रल मतलब उदासीन होता है, उदासीन मतलब NaCl और पानी, शुद्ध पानी की बात हो रही है, ठीक है। चलिए आंसर कमेंट करिएगा, ऑप्शन आएगा टू, बहुत बढ़िया, यहाँ पर थोड़ा आंसर कमेंट करके थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया है प्रीति जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलिए और कोई आंसर कमेंट करेगा, मात्र चार स्टूडेंट देख रहे हैं भाई, और चारों के चारों जो स्टूडेंट कमेंट करेंगे इस वीडियो इस क्वेश्चन का, तो आंसर रहेगा सूरन सेन, कह रहेगा सूरन सेन, ठीक है, बिल्कुल सही है सूरन सेन, बिल्कुल सही है। ओके, किस कब दिया था सूरन सेन ने, ये जो है हाइड्रोजन के ऊपर देते हैं, ये हाइड्रोजन के ऊपर जो है प्रत्यास्था करा जाता है, हाइड्रोजन के ऊपर जो है पीएच मान दी जाती है, 1924 में इन्होंने जो है खोज करी थी और इसकी अवधारणा दी थी 1919 में कार्ल वर्ग ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पादप कोशिका में केंद्र नहीं पाया था, कौन सी पादप कोशिका है जिसमें केंद्र नहीं पाया था, चलिए आंसर कमेंट करिए, क्वेश्चन नंबर आपके पास है आंसर दीजिएगा, क्वेश्चन है और आंसर दीजिए, चलिए कौन देगा आंसर, और फ्रेंड वीडियो शेयर कर दीजिएगा भाई अपने फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पर, इस वीडियो को शेयर करिए। आंसर रहेगा ऑप्शन रहेगा वन, केवीनियम कोशिका, केवीबीएम कोशिका, क्या रहेगा, केवीबीएम कोशिका में केंद्रक नहीं पाया था, ऑप्शन रहेगा वन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, रिजर्व बैंक का कार्य कौन सा नहीं, आंसर दीजिएगा फ्रेंड, सिंपल क्वेश्चन नहीं है, अगर आप सोच रहे हैं, कोई बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं सोचते हैं कि भाई हमसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो इस वीडियो को हम अब नहीं देखेंगे, क्यों, क्योंकि देखिए क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं फ्रेंड्स, कारण ये है कि क्वेश्चन इसलिए नहीं बन रहे क्योंकि आप रेगुलर वीडियो नहीं देखते, और देखते भी हो जिस व्यक्ति की वो सिंपल क्वेश्चन देखते हो, मैं ये नहीं बोलूँगा कि भाई मैं यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन, हर किसी के हर टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, सिंपल भी मिलेंगे, मॉडरेट मिलेंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें एक क्वेश्चन में आपको तीन क्वेश्चन को पढ़ने के लिए मिलेंगे। ऑप्शन आ गया यहाँ पर वन, क्या आएगा, वित्तीय नीति बनाने का कार्य जो रहता है वो नहीं करता है, पांचवा बिल्कुल सही है प्रीति जी, बिल्कुल सही, वित्तीय नीति जो है नहीं बनाता, फाइनेंशियल जो है ये नहीं करता, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछ रहा है भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज क्या है, या मैं पूछूं एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, चलिए बताइए, शेयर मार्केट की बात हो रही है तो शेयर मार्केट में थोड़ा मेरा भी जो है अच्छे से मतलब थोड़ा अच्छा आता है मुझे, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, ठीक है, बीएससी एनएससी सभी कुछ पता है मुझे, चलिए आंसर दीजिएगा, प्रीति जी ऑप्शन आ गया वन, बतूजिए अमित जी आएगा ऑप्शन वन, वेरी गुड, कोई और आंसर देगा फ्रेंड्स, कह रहेगा ओके वन, बहुत अच्छा अतुल जी, बिल्कुल सही, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसकी स्थापना की गई थी, इसको कहते हैं बीएससी 1875 में, कब की गई थी, 1875 में की गई थी, ठीक है, एशिया का सबसे पुराना जो है स्टॉक एक्सचेंज है बीएससी। चलिए अगला क्वेश्चन पूछेंगे, हुबर बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया जा रहा है, हुबर बांध जो है इसका क्वेश्चन है भैया आरआरबी जेई में ये क्वेश्चन आ चुका है हुबर बांध का, ठीक है, और फ्रेंड जिसका भी एग्जाम है एसएससी सीजीएल का वो मुझे बता दीजिएगा, एसएससी सीजीएल का आप एग्जाम देने वाले हैं, अगर आपके पास एसएससी सीजीएल का एग्जाम के कुछ क्वेश्चन है तो मुझे बताइएगा जरूर, वही क्वेश्चन जो रहते हैं वो मैं आपसे कराकर जो है नाइट में जो उसी आपको दोपहर में एक वीडियो मिलेगी 5 से 6 बजे के बीच, उसमें सारे क्वेश्चन ले लूँगा, ठीक है। ऑप्शन आ गया प्रियंका जी, ऑप्शन आ गया प्रिया जी, ऑप्शन आ गया फोर, सेवन का आया थर्ड, तो यहाँ पर आया ऑप्शन फोर, कोलोराडो, कोलोराडो नदी रहेगी भैया, कह रहेगा कोलोराडो नदी रहेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कोलोराडो नदी, ऑप्शन फोर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, संकोच नदी सीमा बनाती है, संकोच नदी सीमा किस किस प्रदेशों के बीच में सीमा बनाती है, संकोच नदी किस किस प्रदेशों के बीच में सीमा बनाती है, आंसर कमेंट करिएगा। चलिए आंसर दीजिएगा क्या होगा, और फ्रेंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करिएगा भाई, ओके, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को। चलिए आंसर दीजिएगा क्या रहेगा, आंसर दीजिए क्या रहेगा क्वेश्चन का अतुल जी, ओके प्रिया प्रीति जी ऑप्शन थर्ड, बारिश हो रही है
पांडे जी बोल रहे हैं बारिश हो रहा है। ओके पांडे जी, बहुत अच्छी बात है कि बारिश हो रही है। तो आंसर रहेगा ऑप्शन टू। क्या रहेगा ऑप्शन टू? रहेगा असम और अरुणाचल प्रदेश। क्या रहेगा? असम और अरुणाचल प्रदेश रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये आपके सामने। भारत में न्यायपालिका है, भारत की न्यायपालिका किस प्रकार की है? बताइए, चलिए आंसर दीजिएगा, भारत की न्यायपालिका किस प्रकार की है? ओके थोड़ा सा आंसर पढ़िएगा आराम से और इसका आंसर दीजिए। क्या रहेगा? भारत की न्यायपालिका किस प्रकार की होती है? चलिए आंसर दीजिए फ्रेंड्स। क्या रहेगा क्वेश्चन का आंसर? ऑप्शन आ रहा है भैया जल्दी से। बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा है। प्रिया जी, प्रीति जी, बहुत बढ़िया प्रीति जी, बहुत बढ़िया। कैरेसी रहेगी, स्वतंत्र रहेगी, वो किसी से बाध्य नहीं है, किसी का जो है वो ऑर्डर नहीं मानेगी, वो खुद का ऑर्डर देगी। अमित जी बिल्कुल सही। चलिए अगला क्वेश्चन। संसदीय प्रणाली में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालक कौन है? ठीक है, संसदीय प्रणाली जो है उसके निम्नलिखित में से कौन जो है वास्तविक कार्यपालक इसका है? राज्य का मुखिया होता है, मंत्रिपरिषद होंगे, या विधान परिषद होंगे, या न्यायपालिका होगी? चलिए आंसर कमेंट करिए। क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर? और आपको लास्ट तक वीडियो देखनी है, ठीक है। ऑप्शन आ रहा है फोर, बहुत बढ़िया प्रिया जी। ऑप्शन टू यहां पर आएगा, टू बिल्कुल सही है। मंत्री परिषद कैबिनेट रहेंगे, कौन रहेंगे? कैबिनेट रहेगा, ऑप्शन रहेगा यहाँ पर टू। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। वित्त आयोग भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल है? वित्त आयोग को कौन से संविधान के अनुच्छेद में लिखा गया है? आंसर कमेंट करिएगा। चलिए आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 11 है। हमने 3 से 4 सेट पढ़ ली हैं। आई थिंक ये आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो मुझे ऐश करके भेजिए कि हाँ आपको वीडियो अच्छी लग रही है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है। ठीक है, 1 आ रहा है पांडे जी, बहुत बढ़िया। प्रीति जी 1 आ रहे हैं, अमित जी ऑप्शन 1 आ रहा है। तो यहाँ पर रहेगा आर्टिकल 280, बिल्कुल यहाँ पर रहेगा 280, अनुच्छेद नंबर 280। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध बंगाल पुस्तक, प्रसिद्ध पुस्तक बंगाल की है कौन सी? अग्निवीणा किसने लिखी? अग्निवीणा किसने लिखी? थैंक यू प्रीति जी। चलिए बताइए अग्निवीणा किसने लिखी? फर्स्ट राइट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। प्रिया जी, प्रीति जी, अतुल जी, अमित जी, स्वपन पांडे जी, चलिए सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, आपके पास जितने भी ग्रुप हैं व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप, अगर आपको अच्छी लगी थी वीडियो तो शेयर करिएगा वीडियो। ठीक है, चलिए आंसर दीजिएगा। अतुल जी बहुत अच्छे, 1 आ रहा है, यहाँ पर रहेगा ऑप्शन 2 रहेगा, काजी नजरुल इस्लाम। ठीक है, ऑप्शन 2 पांडे जी बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। किस वर्ष में मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहली बार आक्रमण करा? फ्रेंड ये क्वेश्चन आया था आपको जो SSCGL का एग्जाम होता है, कल स्टार्ट हुआ ना, ठीक है, कल ये क्वेश्चन पूछा गया था। मोहम्मद गौरी ने भारत पर कब आक्रमण किया? पहली बार आक्रमण मोहम्मद गौरी ने ऐसा कब किया, ये क्वेश्चन आया था, इस प्रकार का क्वेश्चन आया था। अतुल जी वेरी गुड, थैंक यू अतुल जी। अगर आपको अच्छी लग रही वीडियो तो शेयर करिएगा। ओके हरिओम जी ऑनलाइन फेस में स्वागत है। अमित जी ऑप्शन आ रहा है थर्ड, पांडे जी ऑप्शन 2 आ रहा है, प्रिया जी ऑप्शन 3। तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन 2 भैया, 1175, 1175 आएगा। मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी कराए थे, ठीक है। ओके कहाँ पर किया था? मुल्तान पर किया था। कहाँ पर किया था? मुल्तान पर किया था, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, जगह अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे। डचों द्वारा पहला कारखाना किस स्थान पर खोला गया? डचों की बात हो रही है, ब्रिटिश शासन की बात नहीं हो रही है, डच की बात हो रही है। डचों ने पहला कारखाना कहाँ खोला? चलिए आंसर दीजिएगा, सभी लोग आंसर करेंगे। सूरत आंसर कमेंट मत कीजिएगा, ठीक है, सूरत मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत लोग सूरत कर देते हैं। चलिए आंसर कमेंट करिए, बहुत अच्छे प्रीति जी, बहुत बढ़िया। चलिए जीके बहुत अच्छा है आपका। चलिए पांडे जी बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एनी वन पांड, अरे भाई हरिओम जी और पांडे जी, मैंने क्या बोला आपसे? डचों, डच की बात हो रही है, डच ब्रिटिश शासन की बात नहीं हो रही, अंग्रेजों की बात नहीं हो रही भाई। यहाँ पर रहेगा ऑप्शन थर्ड, क्या रहेगा? नागापट्टिनम। क्या रहेगा? नागापट्टिनम। उदय जी बहुत बढ़िया, उदय जी बिल्कुल सही आंसर है, नागापट्टिनम रहेगा। डचों ने सबसे पहला कारखाना कहा है? नागापट्टिनम में खुला था। यहाँ पर सुविधा तो नहीं आएगा, हम अंग्रेजों की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर डच की बात हो रही है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये रहा अंतिम मौर्य शासक बृहदर्थ, क्या है? बृहदर्थ, ठीक है, बृहदर्थ है कि हत्या किसने, किस शासक ने की थी? अंतिम शासक कौन था ये हमें पता चल गया, कुछ ने बता दिया हमें, मौर्य शासक था, ठीक है, उसका नाम था बृहदर्थ, ठीक है, इसकी हत्या किसने करी अब ये बता दीजिए, क्योंकि इसमें हमें एक तो क्वेश्चन जो है आंसर कोई खुद ही बोल रहा है। 13 नॉट राइट, अमित जी बोल रहा है 13 नॉट राइट। ओके 13 नॉट राइट भाई, 13 सही था आंसर, बिल्कुल सही 13 का। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन बताइए। प्रिया जी ऑप्शन नंबर 2 बहुत बढ़िया, प्रीति जी ऑप्शन 2, ओके पांडे जी ऑप्शन 2 बिल्कुल। चलिए आंसर रहेगा ऑप्शन है पुष्म, पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग जो हैं उन्होंने इसका जो है मृत्यु, उन्होंने मतलब हत्या कर दी थी। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन।
चलिए बिल्कुल सही है प्रीति, बिल्कुल सही था भैया। 13 का क्वेश्चन कहाँ से बिल्कुल सही था। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। केंद्रीय उपोष्ण, केंद्रीय उपोष्ण, उपोष्ण क्या उपोष्ण है, इस प्रकार क्वेश्चन मतलब प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल सही है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ है, सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर कहाँ है, ये हमने पढ़ लिया इंग्लिश में, तो इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन सही है भाई। हिंदी में कभी कभी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश, हिंदी के जो है क्वेश्चन जो थोड़े से जो वर्ड रहते हैं ना वो बहुत कनेक्शन रहते हैं, ठीक है। चलिए आंसर दीजिएगा, झांसी आ रहा है किसी का, आ रहा है ऑप्शन थर्ड, लखनऊ भी आ रहा है। बताइए जी, प्रीति जी यहाँ पर आंसर आएगा ऑप्शन थर्ड, बहुत बढ़िया, लखनऊ आएगा। प्रिया जी यहाँ पर आएगा ऑप्शन थर्ड, अतुल जी आंसर कमेंट करिए। उदय जी बिल्कुल यहाँ पर आंसर आएगा थर्ड, ठीक है। पांडे जी बहुत बढ़िया, थर्ड रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन सा जहरीला सांप नहीं है भैया, अब आराम से ध्यान दीजिएगा, जहरीला सांप कौन सा नहीं है। ओके थोड़ा सा आपको ध्यान देने हैं, जहरीला सांप कौन सा नहीं। क्रेत के बारे में बता दूंगा, क्रेत के बारे में क्वेश्चन आया था भैया, क्रेत के बारे में क्वेश्चन आया था, आई थिंक रेलवे के एग्जाम में आया था अभी, 2018 का एग्जाम हुआ था, क्रेत के बारे में क्वेश्चन आया था। क्रेत पर पूछा गया था कि क्रेत किस प्रकार का, क्या धारियां होती हैं, उस पर चट्टे होते हैं, उस पर उसका कलर कैसा होता है, ये इस प्रकार क्वेश्चन आया था। ऑप्शन है क्या थर्ड, बहुत बढ़िया प्रिया जी, ऑप्शन थर्ड आ रहा है। पाइथन बिल्कुल सही रहेगा, पाइथन जो रहता है वो कैसा नहीं रहता, वो जहरीला नहीं रहता है, ठीक है। ओके चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, बिल्कुल सही अमित जी, प्रिया जी, प्रीति जी बहुत सही, पांडे जी बिल्कुल सही। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे अमित जी, बिल्कुल सही। चलिए अगला क्वेश्चन, 2020 में होने वाले ओलंपिक खेलों में खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा, 2020 के ओलंपिक खेल हैं उसकी, ओलंपिक खेल जो रहेंगे उसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा। चलिए ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ आपको, डिस्कस कर चुका हूँ अतुल जी पिछले क्वेश्चन का, थर्ड बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 18 है उसका आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 18, और वीडियो को शेयर करिए भाई, अब तो वीडियो को शेयर करिएगा, और आपको वीडियो मिलेगी 2:30 बजे, ठीक है। कितने बजे मिलेगी, 2:30 बजे मिलेगी। इकोनॉमी के क्वेश्चन, इकोनॉमी का क्वेश्चन है, ओके इकोनॉमी का क्वेश्चन सर, ओके इकोनॉमी का क्वेश्चन, मेरे पास सारे क्वेश्चन मिलेंगे भैया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आएगा, इसके क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन रहेगा 4, जापान में होगा, ठीक है, जापान में होगा भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है। ओके अतुल जी अगर आप बोल रहे इकोनॉमी के क्वेश्चन कराऊं तो मैं इकोनॉमी क्वेश्चन कराता हूं, लेकिन इकट्ठे क्वेश्चन हम नहीं करा सकते इकोनॉमी के, क्यों, इसका कारण ये है, देखिए मैंने अगर इकोनॉमी क्वेश्चन कराने चालू कर दिए तो एक भी स्टूडेंट, अगर आपकी नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो रहेंगे ही नहीं, इकोनॉमिक क्वेश्चन रहते हैं वो थोड़े से मॉडरेट लेवल को जाते हैं, और उन लोगों के स्टूडेंट जो है ज्यादातर पढ़ते नहीं है, ठीक है, ओनली साइंस क्वेश्चन, ठीक है, कोई बात नहीं है। फिर चलिए आंसर दीजिए, आंसर दीजिए क्या रहेगा भैया, आंसर दीजिए क्या रहेगा, सभी प्रकार के क्वेश्चन है भैया यहाँ पर, ठीक है। आंसर रहेगा ऑप्शन 1, क्या रहेगा, सिंगोरी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, मध्य प्रदेश में, प्रीति ऑप्शन 1 बिल्कुल सही। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय केंद्रीय सतर्कता यानी कि विजिलेंस से बोलते हैं आयोग का मुख्यालय कहाँ है, ओके हेडक्वार्टर कहाँ है, सेंट्रल विजिलेंस का हेडक्वार्टर कहाँ है। अतुल जी ऑप्शन 2 बहुत अच्छे, करंट और साइंस, करंट और साइंस ही चल रहा है मानवीन जी, चलिए आंसर बताइएगा। ओके अतुल जी ऑप्शन आ गया, मानवीन जी ऑप्शन ये आ गया, बहुत अच्छे अतुल जी आ रहा है, उदय जी ऑप्शन 2 आ रहा है, बहुत अच्छे। एनीवन कोई आंसर कमेंट करेगा, क्या रहेगा, पांडे जी ऑप्शन 2 यहाँ पर आएगा, ऑप्शन थर्ड भैया न्यू दिल्ली में, किसी का आया थर्ड, नहीं आया किसी का थर्ड, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, ओके चलिए अगला क्वेश्चन, अब बताइए क्वेश्चन, हीरे काट, हीरे जो होता है हीरा, अब देखिए गर्ल्स से पूछूंगा बॉयज से पूछूंगा दोनों आंसर देंगे, हीरा जो होता है हीरे कैरेट के रूप में तोला जाता है, ठीक है, वो 1 कैरेट कितने के बराबर होता है, 1 कैरेट कितने मिलीग्राम के बराबर होता है, ये बताइएगा। पांडे जी थर्ड, अतुल जी 2 बहुत अच्छे, 1, सेट चेंज हो गया भैया हमारा, सेट चेंज हो गया। चलिए आंसर दीजिएगा, यहाँ पर थर्ड आ रहा है, यहाँ पर आएगा ऑप्शन थर्ड, 200 मिलीग्राम के बराबर होता है भैया, 200 बिल्कुल। प्रीति जी बहुत बढ़िया, अतुल जी यहाँ पर ऑप्शन 2 रहेगा, सुमन पांडे जी बिल्कुल एकदम सही है। चलिए अगला क्वेश्चन इसके बारे में पढ़ेंगे, 200 मिलीग्राम यानी 2.02 ग्राम के बराबर होता है 1 कैरेट, बिल्कुल सही। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसमें चीजें लिखी हैं, तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क है, कौन सा लौह अयस्क है, आंसर कमेंट करिएगा, क्या रहेगा लौह अयस्क क्या है, चलिए आंसर दीजिएगा लौह अयस्क क्या है। और आज जो होगी वीडियो 2:30 बजे किसकी होगी, CEO, ठीक है। आप देखिए, आप मैं आपसे एक चीज़ पूछूंगा, आपको किस किस लोगों को CEO के बारे में पता है, CEO नहीं सॉरी ब्रांड एम्बेसडर और CEO दोनों की वीडियो होगी, ब्रांड एम्बेसडर और CEO की वीडियो होगी 2:30 बजे, ठीक है। तो 2:30 बजे कौन कौन आएगा तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, जिस प्रकार मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो कल मैंने वीडियो बनाई थी, मात्र 3 से 4 स्टूडेंट थे, ओके, और सुबह जो थे मॉर्निंग में 30 स्टूडेंट थे, अभी 8 स्टूडेंट है, कोई बात नहीं है। ऑप्शन थर्ड आ रहा है, सी आ रहा है, तो यहाँ पर आएगा रहेगा ऑप्शन थर्ड, 1 और 2 लिग्नाइट और ग्रेनाइट, बिल्कुल सही। चलिए अगला क्वेश्चन, इसके बारे में सारी चीज़ें लिखी हैं, तो अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, एक ड्यूअर्स, क्या एक ड्यूअर्स फ्लास्क का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, ठीक है। आ ड्यूअर मतलब ड्यूअर फ्लास्क का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, करंट का बनाइए,
पृथ्वी बोला है करंट का बनाए, बिल्कुल करंट के क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, मई के जो करंट है उसके कराऊंगा, मई जो पूरा का पूरा हमारा जो पूरा जो टाइम निकल गया मई का, और 2019 के पिछले 6 महीने के क्वेश्चन भी मैं कराने वाला हूँ आपको। उन 6 महीने के क्वेश्चन को मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, 2 दिन हो गए मुझे, हो सके कल या परसों जो होगी आपको वीडियो करंट की मिल जाएगी, 1-2 महीने की नहीं पूरे 6 महीने की, ठीक है ओके, जनवरी से, ठीक है 6 महीने की भाई, 6 महीने की, ठीक है बिल्कुल समझ गया 6 महीने की, ठीक है। चलिए आंसर कमेंट करिएगा भाई, क्या रहेगा यहाँ पर आंसर आ रहा है ऑप्शन थर्ड, यहाँ पर आएगा ऑप्शन वन, क्या आएगा तरलीय तरलीकृत वायु जमा, ठीक है बिल्कुल सही, चलिए स्टोर लिक्विड फायर एयर आएगा, ठीक है यहाँ पर ऑप्शन वन रहेगा। चलिए अब बात नहीं, चलिए आंसर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, प्लूटोनियम परमाणु बम का उत्पादक से किया जाता है, प्लूटोनियम बम का उत्पादन जो है वो किससे किया था, कौन से परमाणु से किया था, चलिए बताइएगा, यूरेनियम से कराया जाएगा या किससे कराया जाएगा, अगर यूरेनियम है तो आंसर बताइएगा कौन सा यूरेनियम है, चलिए आंसर दीजिएगा। ऑप्शन है सॉरी उदय जी थर्ड, पांडे जी ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन प्रीति जी ऑप्शन थर्ड, अतुल जी टू आ रहा है, यहाँ पर प्रियंका जी ऑप्शन आ रहा है, प्रिया जी ऑप्शन वन आ रहा है, यहाँ पर ऑप्शन टू यूरेनियम 238, बिल्कुल सही यूरेनियम 238, मान में जो ऑप्शन यूरेनियम 235 नहीं रहेगा, यूरेनियम रहेगा 238, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसके बारे में इंपॉर्टेंट लिखा है चीज़ें, तो जो भी स्लाइड आपको लग रही है कि इंपॉर्टेंट है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं डिटेल्स में नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि डिटेल्स में पढ़ाता हूँ तो सारे स्टूडेंट चले जाते हैं। ओके अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, हीरा एक सुरक्षित माचिस की नोक पर कौन सा मटेरियल पाया जाता है, अगर आपको बताना है आपको, देखिए माचिस आपने देखी, माचिस पर आपने घर में भी होगी, माचिस पर जो ज्वलनशील पदार्थ होता है वो किस चीज़ का बना होता है, चलिए आंसर कमेंट करिएगा। तीनों चारों तीन ऑप्शन पढ़िए, चार ऑप्शन जो लिखा ऑल ऑफ वेव है, क्या वो ऑल ऑफ वेव है, तो अगर ऑल ऑफ वेव है तो आंसर बताइएगा क्या है। ओके आप पांडे जी ऑप्शन फोर आ गया, वेरी गुड पांडे जी, चलिए आंसर कमेंट करिएगा। और फ्रेंड जिसको अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो फ्रेंड्स अपने ग्रुप्स में जरूर शेयर करिएगा, आंसर आ रहा ऑप्शन फोर आएगा, ये सारी सारी चीज़ यहाँ पर आएंगे। प्रिया की बहुत बढ़िया, पांडे जी बिल्कुल सही है, चलिए बिल्कुल मानवी जी बिल्कुल सही, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये रहा आपके सामने गैमिक्स, ओके गैमिक्सन डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर के महत्वपूर्ण यौगिक होते हैं, ये तीनों का महत्वपूर्ण यौगिक एक है कोई, तो एक कौन सा ऐसा महत्वपूर्ण यौगिक है जो इन तीनों में काम में आता है, गैमिक्सन डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है इन तीनों में कौन सा महत्वपूर्ण यौगिक है जो काम में आता है, चलिए आंसर कमेंट करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी को आंसर कमेंट करना है। प्रीति जी वन वेरी गुड, एनी वन को आंसर कमेंट करेगा, पांडे जी वन, बानवर जी क्लोरीन आ रहा है, ऑप्शन आ रहा है, प्रिय जी फोर आ रहा है, लेकिन क्लोरीन यहाँ पर रहेगा, क्या रहेगा क्लोरीन, बहुत बढ़िया अतुल जी बहुत सही, प्रिय प्रीति जी बिल्कुल सही है, चलिए मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर पांडे जी और प्रीति बिल्कुल सही कर रहे हैं, मानवी जी बिल्कुल सही आपका भी, ओके अतुल जी बहुत अच्छा ट्राई कर रहे हैं, उदय जी जब से आए हैं मुझे लग रहा है कि हाँ उदय जी बहुत अच्छी कर रहे हैं, प्रिया जी आप भी बिल्कुल अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन प्रिया जी ने जो है साइंस क्वेश्चन मैगजीन अच्छे क्वेश्चन का आंसर दिए हैं, ठीक है। चलिए इसका जो फॉर्मूला वगैरह लिखा है क्लोरीन का, डीडीटी की फुल फॉर्म लिखी है, तो डीडीटी की फुल फॉर्म भी अगर नहीं पता है तो स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है ओके। सभी लोगों से कहूँगा कि देखिए पढ़ते रहिए, रेगुलर क्लास लेंगे तो मैं और भी एक्स्ट्रा चीज़ें सिखाऊंगा जो आपको एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है ओके। अगला क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ गर्म करने पर ऊर्ध्वपातन से गुजरता है, ऊर्ध्वपातन से कौन सा पदार्थ गर्म करने पर गुजरता है, चलिए आंसर बताइएगा, सब लिमिनेशन से गुजरता है, इंग्लिश में पढ़ दिया भाई, सब लिमिनेशन हीटिंग से कौन सा पदार्थ गुजरता है, चलिए आंसर दीजिएगा, पांडे जी ऑप्शन फोर वेरी गुड आंसर दीजिएगा, कोई और आंसर करेगा ऑप्शन सी आ गया है, ओके अतुल जी ऑप्शन सी आ गया, भैया कह रहेगा ऑप्शन फोर, यानी कि ये तीनों मतलब कि तीनों मतलब नेफ्थलीन आयोडीन और कपूर ये तीनों रहेंगे, ठीक है ऑप्शन फोर बिल्कुल सही है, ओके बिल्कुल सही ऑप्शन फोर रहेगा, ओके पांडे जी प्रिया जी यहाँ पर अतुल जी बिल्कुल सही, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, इनमें से कौन सा रस अग्नाशय से स्त्रावित होता है, अग्नाशय से कौन सा रस जो होता है स्त्रावित होता है, कौन सा जूस सेक्रेट होता है, चलिए बताइएगा पेंक्रियास से, चलिए आंसर दीजिएगा। और फ्रेंड्स बहुत अच्छा लग रहा है कि सभी लोग आंसर कमेंट कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता था कि कई लोग जो रहते हैं मतलब देखते हैं वीडियो कौन सा कमेंट नहीं करते, मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोग कमेंट कर रहे हैं, चलिए आंसर दीजिएगा। ऑप्शन आ रहा है अतुल जी फोर, पांडे जी ऑप्शन फोर, ओके वेरी गुड बहुत अच्छे मान, ओके मान जी बहुत बढ़िया, प्रीति जी बहुत अच्छे, अमित जी बहुत बढ़िया, चलिए आंसर है ऑप्शन फोर बोथ ए और बी, यानी ट्रिप्सिन और पेप्सिन बिल्कुल सही है, ट्रिप्सिन और पेप्सिन बिल्कुल सही है, ऑप्शन फोर रहेगा। थोड़ा आंसर को तो देखिए मेरे पास जितने भी क्वेश्चन है वो ट्रिकी है, पहली बात तो सबसे पहले बात उसमें कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा, मैं सिंपल क्वेश्चन आपसे नहीं पूछूंगा, ठीक है सिंपल तरीके से नहीं पूछूंगा, सिंपल तरीके से इसलिए नहीं क्योंकि आपको कुछ सीखने को तो मिले भाई, ठीक है क्वेश्चन तो सभी लोग करा रहे हैं कोई बात नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में सारी चीज़ लिखी अग्नाशय वगैरह के, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से निम्नलिखित वाक्यों को आपको आराम से पढ़ना है, पहले तो सारे 1, 2, 3 सारे जो हैं ऑप्शन पढ़ लीजिए, उसके बाद लिखा है आपको उपरोक्त जो विवरणों में से सही चुनना है, सही आंसर बताना है, तो सही क्या है वो बताइए, ठीक है ओके। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पर सॉरी एक क्वेश्चन आया था,
एक क्वेश्चन आया था ईएलपी में, ईएलपी नहीं सॉरी जेई में, ठीक है जेई में कौन सा आया था, ओके यहाँ पर आया था, हाँ सबसे भारी गैस कौन सी, सबसे भारी गैस कौन सी, ये क्वेश्चन आया था फ्रेंड्स, एज इट इज़ क्वेश्चन आया था, एज इट इज़ मतलब ये क्वेश्चन में तो हमने मॉडिफाई कर दिया है, लेकिन एज इट इज़ क्वेश्चन आया था कि कौन सी जो गैस है वो सबसे भारी है, ठीक है तो रहेगी ऑप्शन फोर रेडॉन सबसे भारी है, ठीक है ऑल ऑफ बिल्कुल सही है, यहाँ पर रेडॉन सबसे भारी है, एसिटिलीन पृथ्वी की सबसे दुर्लभ तत्व है, ठीक है ग्रेफाइट जो अधातु है, अधातु है लेकिन वो कैसी है, विद्युत का सुचालक है, ये एक फैक्ट है, बहुत सारे स्टूडेंट जो सोचते हैं धातु होगी तो क्या होगा उसमें, वो धातु होगी तो भाई विद्युत का सुचालक नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन ग्रेफाइट के साथ कैसा है कि ये कैसा, ये विद्युत का सुचालक है, भैया ग्रेफाइट आपको नॉर्मली आपको पेंसिल से मिल जाएगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, पौधे में कार्बोहाइड्रेट के रूप में संग्रहित होता है, पौधों में कार्बोहाइड्रेट के रूप में क्या रहता है, ठीक है पौधों में और मनुष्य में दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, पौधे और मनुष्य दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो आंसर बताइएगा पौधे के रूप में, पौधों में कार्बोहाइड्रेट के रूप में किस कौन सी चीज़ें, ग्लाइकोजन होगा, स्टार्च होगी, सल्का होगा या माल्टोज, अतुल जी ऑप्शन बहुत बढ़िया, अतुल जी बहुत अच्छे, एनी वन कोई आंसर कमेंट करेगा फ्रेंड्स, यहाँ पर बातें कम करिए आंसर दीजिएगा, ठीक है ओके सपन जी ऑप्शन टू, प्रीति जी ऑप्शन टू, मान लीजिए ऑप्शन टू, यहाँ पर आएगा ऑप्शन टू, क्या रहेगा स्टार्च रहता है, मनुष्य में क्या रहता है, पौधे में स्टार्च आ गया, मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट के रूप में क्या रहेगा, पौधों में स्टार्च है मनुष्य में क्या पाया जाता है, चलिए बताइए लिख कर कमेंट करिएगा भाई, लिख कर दीजिएगा, थोड़ा सा मैं होल्ड करूँगा इस क्वेश्चन पे क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है, एक बार नहीं दो बार नहीं तीन बार नहीं भाई बहुत बार आया है, ठीक है इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है, ठीक है लिखने की जरूरत नहीं है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चलिए आंसर दीजिएगा ग्लाइकोजन, बहुत बढ़िया ग्लूकोजन बहुत बढ़िया, तो देखिए मानव में पाया जाता है कौन सा पौधे, देखिए कार्बोहाइड्रेट में पॉलीसेकेराइड के रूप में ये होता है संग्रहित होता है, इसको हम ग्लाइकोजन कहते हैं, क्या कहते हैं ग्लाइकोजन कहते हैं, ठीक है ओके, और जो पौधों में पाया जाएगा उसको पॉलीसेकेराइड के रूप में पाया जाता है उसे क्या बोलेंगे स्टार्च बोलते हैं, ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत बढ़िया सभी ने अगला सही आंसर दिया, चलिए अगला क्वेश्चन, प्रोटीन संश्लेषण में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है, प्रोटीन संश्लेषण में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है, चलिए आंसर दीजिएगा क्या रहेगा, क्वेश्चन का कमेंट करिए आंसर दीजिएगा क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्क्रीन पर है भैया, सभी लोग आंसर दीजिए, ठीक है सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन है यहाँ पर प्रीति ऑप्शन 11 4, मान लीजिए ऑप्शन 4, अतुल जी ऑप्शन 4, यहाँ पर आएगा ऑप्शन 4 नाइट्रोजन, किसका प्रयोग करते हैं नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं, चलिए इसके बारे में लिखा हुआ है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये आपके सामने, राजकुमार सलीम सम्राट का नाम क्या था, राजकुमार सलीम सम्राट जो है इनका दूसरा नाम क्या था, चलिए आंसर बताइएगा राजकुमार सलीम सम्राट किसका नाम था ये बताइए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है भाई, अतुल जी ऑप्शन 4, प्रिया जी ऑप्शन 3 आ गया इस क्वेश्चन का, प्रीति ऑप्शन 3 आ गया, अतुल जी ऑप्शन 3, पांडे जी ऑप्शन 3 बोल रहे हैं, बहुत अच्छे सभी लोग लगभग आंसर दे रहे हैं यहाँ पर, बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पर आएगा ऑप्शन 3 क्या रहेगा जहांगीर, बहुत बढ़िया मानवरंजन जी बिल्कुल सही होता है, उदयपाल जी बिल्कुल सही, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, जहाँ पर इनका देखिए काल मैं बता देता हूँ, ये इनका समय काल होता है कब तक शासन किया, ये मुगल सम्राट थे उन्होंने 1605 से लेकर 2700 तक अपना शासन किया, ठीक है अगला क्वेश्चन, किस समिति ने बीसीसीआई के कामकाज और संरचना में बदलाव की सिफारिश की है, कौन सी समिति है इसने बीसीसीआई के कामकाज को बदलने की सिफारिश की है या बदलाव करने की सिफारिश की है, चलिए आंसर दीजिएगा, ये बीसीसीआई का जो है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आज का एग्जाम है भैया, वर्ल्ड कप चल रहे हैं, वर्ल्ड कप का आज पहला क्वेश्चन है इंडिया का, तो मुझे कौन कौन बताएगा भाई वर्ल्ड कप का पहला मैच कौन कौन देखेगा, क्या आप मैच देखेंगे या फिर पढ़ना पसंद करेंगे, दोनों में से क्या पसंद करेंगे या फिर हाईलाइट देखेंगे मात्र, भाई मैं तो हाईलाइट्स देखने वाला हूँ, ठीक है बस, चलो आंसर कमेंट करिएगा भाई, ऑप्शन 4 आ रहा है, ऑप्शन 4 आ रहा है, मानवी जी बोला नहीं देखेंगे कोई बात नहीं है ओके, चलिए आंसर आएगा ऑप्शन 4 ओके, लोढ़ा समिति ऑप्शन आएगा 4 भैया, ऑप्शन 4 आएगा ओके, अतुल जी मानवी जी प्रीति जी बिल्कुल सही है, चलिए आंसर देंगे अगला क्वेश्चन, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन लिखी है, इसको आप एक काम करिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है अगर इसके बारे में सारी समिति हैं, सारी समिति जितनी ऑप्शन में थी उन सभी की समितियों के बारे में लिखा है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट भाई इंपॉर्टेंट है, ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रार्थना समाज के संस्थापक हैं, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, आंसर कमेंट करिएगा, चलिए आंसर दीजिएगा कौन 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 आंसर कमेंट करता है, देखते हैं देखिए, चलिए इसे कमेंट करिए भाई क्या रहेगा आंसर, ओके अतुल जी ऑप्शन 2, ओके प्रिया जी ऑप्शन, ओके अतुल जी ने ऑप्शन 1 किया है, ओके प्रीति जी ऑप्शन 2, पांडे जी ऑप्शन 2, मानव जी 1, यहाँ पर आएगा आत्मराम पांडु पांडुंगरा, ठीक है ऑप्शन 2 आएगा यहाँ पर, अगला क्वेश्चन इसके बारे में लिखा है सारी चीज़ें तो आप पढ़ सकते हैं, ये पूरे संस्थापक हैं, इसका स्क्रीन शॉट लीजिए संस्थापकों के नाम
और कब किया, किसने किया, ये सारी चीज़ें लिखी हैं, तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका। इस ओके अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये आपके सामने। अफ्रीका के घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? अफ्रीका के घास के मैदानों क्या कहते हैं? मैं आपको सबसे सारे बताऊंगा, चारों ऑप्शन के बारे में बताऊंगा, तो इसके बाद जो अगली स्क्रीनशॉट आएगा स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उस अगली स्क्रीन पर जो स्लाइड आएगी उसकी स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ऑप्शन आ गया सवाना, बहुत बढ़िया आप पांडे जी, बहुत सही। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये रहा आपके सामने। फोर सवाना बोलेंगे, बिल्कुल सही है प्रीति जी, पांडे जी बिल्कुल सही। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पिछले क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन फोर, इसका स्क्रीनशॉट लेना। किसको किस क्या घास के मैदान को किस जगह पर क्या बोला जाता है, ये आंसर है। चलिए आंसर ऑप्शन मान लीजिए, बिल्कुल सही है ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन, केंद्रीय बजट हमेशा पहले कहाँ पर पेश किया जाएगा? केंद्रीय बजट सबसे पहले कहाँ पर पेश किया जाता है, ये क्वेश्चन है हमारा, आंसर दीजिएगा। चलिए आंसर दीजिए फ्रेंड्स, क्या रहेगा क्वेश्चन का आंसर, आंसर दीजिएगा। ओके यहाँ पर आंसर आएगा ऑप्शन वन, क्या आएगा भाई ऑप्शन बनेगा, लोकसभा में, बिल्कुल सही है प्रीति जी और पांडे जी बिल्कुल सही, मानवेंद्र जी बिल्कुल सही। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, यहाँ पर बिल्कुल सही लिखा, पूरा चीज़ें लिखी हैं, तो यहाँ पर बिल्कुल अनुच्छेद यहाँ पर लिखा हुआ है, सारी चीज़ें लिखी, लगभग लगभग आपके काम की चीज़ें हैं, तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान की सीमा पर ऐश्वरी का नाम क्या है? भारत और पाकिस्तान पर एक ऐश्वरी बनती है, उस ऐश्वरी का नाम बताइए, उस ऐश्वरी का नाम बताइए क्या है। चलिए आंसर बताइए फ्रेंड्स, क्या रहेगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आया गया आगे एग्जाम में, ठीक है, आएगा और आ सकता है, सॉरी आ चुका है और आगे भी आता रहेगा। चलिए आंसर बताइएगा फ्रेंड्स, क्योंकि भारत और पाकिस्तान की स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीति जी ऑप्शन थर्ड बहुत बढ़िया, पांडे जी ऑप्शन टू बिल्कुल सही है, पांडे जी बिल्कुल सही। सर क्रिक कौन सा है? सर क्रिक उदय जी बहुत बढ़िया, सर क्रिक रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, भारत के प्रधानमंत्री की, अरे यार ये तो क्वेश्चन देखिए मैं हमेशा हटाता हूँ इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। देखिए अगर इस क्वेश्चन का भी आप आंसर नहीं गलत देते हैं तो मैं आपको बिल्कुल एक्सप्लेनेशन दूंगा, पहले आंसर पढ़ लीजिए, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, वैसे तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए पढ़िए और इसका आंसर दीजिए, देखते हैं कौन कौन सही करता है, वैसे मैक्सिमम सही करेंगे आंसर, मुझे लगभग सही है। ऑप्शन आया फोर, प्रीति जी ऑप्शन फोर, मान लीजिए ऑप्शन फोर, पांडे जी ऑप्शन फोर, बहुत अच्छे। चलिए पांच स्टूडेंट देख रहे हैं, तीन स्टूडेंट, ऑप्शन फोर आ गया। ओके देखिए ऐसा क्यों है, क्योंकि जब भी पार्टी जीतेगी तो पार्टी का ऐसा है कि 5 साल के लिए कोई भी प्रधानमंत्री बना सकता है, किसी को दोबारा भी बना सकते हैं, तिवारा भी बना सकते हैं, चार बार भी बना सकते हैं, जब तक बना सकता है तब तक वो बनता रहेगा, जब तक पार्टी बनाना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर है? बुलंद दरवाज़ा किस जगह पर है? चलिए बताइएगा बुलंद दरवाज़ा किस जगह पर है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ऑप्शन है बीजेपी ने 64, ठीक है। ओके चलिए आंसर दीजिएगा, चलिए आंसर दीजिएगा फ्रेंड, क्या है? प्रियंका पिया जी ऑप्शन थर्ड, प्रीति ऑप्शन थर्ड, पांडे जी ऑप्शन थर्ड, यहाँ पर आएगा ऑप्शन थर्ड, उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल सही भैया उत्तर प्रदेश, बिल्कुल सही है अतुल जी, बिल्कुल सही। चलिए अगला उसके बारे में कह देखिए, बुलंद दरवाज़ा उत्तर प्रदेश में स्थित है, अकबर द्वारा 1601 ईस्वी बनाया गया था, कब बनाया था? 1601 ईस्वी बनाया था, अकबर ने बनाया था। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम संसद के सदस्यों के अयोग्यता के लिए अयोग्यता मतलब कि अयोग्यता जो दर्शाता है, ठीक है, अयोग्यता के लिए प्रदान किया था। देखिए ऐसा क्वेश्चन है, कौन सा संविधान संशोधन है जो दर्शाता है कि संसद के जो सदस्य हैं वो अयोग्य हैं, ठीक है, तो आंसर कमेंट करिएगा, क्या रहेगा? अतुल जी ऑप्शन टू, प्रिया जी ऑप्शन वन, वेरी गुड, प्रीति जी ऑप्शन टू आ गया है, बहुत अच्छी प्रीति जी, अतुल जी बहुत बढ़िया, बहुत सही आंसर है, अमेंडमेंट नंबर आएगा 52। मानवेंद्र जी बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन था थोड़ा ट्रिकी था, ये क्वेश्चन आज देखिए एग्जाम में आया है, सही नहीं आया, आया है लेकिन इस क्वेश्चन को एग्जाम में जो है मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ा जाता, क्वेश्चन को सिर्फ ऑप्शन में पढ़ा देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, ध्यानचंद जी का जन्म कहाँ और कहाँ हुआ था? ध्यानचंद जी को आप जानते होंगे, ठीक है, सभी लोग जानते हैं, भारत में तीन स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं वो लोग सभी लोग जानते होंगे, ध्यानचंद जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था, इसकी जीवनी के बारे में आप लोग पढ़ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आंसर कमेंट करिएगा, क्या रहेगा, बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी को बताना चाहिए, चाहे हम पढ़ रहे हों, चाहे हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, चाहे नहीं कर रहे हो, तो ये सभी को बताना चाहिए, ठीक है। ओके प्रीति जी ऑप्शन फोर, उदय जी ऑप्शन थर्ड, प्रीति जी ऑप्शन फोर आ गया है, तो ये ऑप्शन फोर नहीं आएगा भाई, क्या आएगा? ऑप्शन थर्ड आएगा, उत्तर प्रदेश में हुआ इनका जन्म और 1905 में हुआ, उत्तर प्रदेश में 1905 में हुआ, ऑप्शन रहेगा यहाँ पर थर्ड, सॉरी उदयपाल जी बिल्कुल सही है, पांडे जी बिल्कुल सही है, ऑप्शन थर्ड रहेगा। चलिए इनके बारे में सारी चीज़ें लिखी हुई थी मैंने, जब मैं स्टार्टिंग में पढ़ाता था तो आपको सारी चीज़ें बताता था वन बाय वन, लेकिन एक दो स्टूडेंट ही रहते थे तो वो भी चले जाते थे, मैं सारी चीज़ें पढ़ाता था, ठीक है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, और फ्रेंड मुझे बताइएगा वीडियो अच्छी लगी है तो, हाँ मुझे बताइएगा कि हाँ भाई वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको कोई मॉडिफिकेशन कोई भी अच्छी चीज़ चाहिए जो आपको अच्छी लगे,
मतलब कि कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन या कोई भी एडिशन जो आपको अच्छा लग रहा है कि भाई हाँ इस प्रकार का अगर वीडियो बनाएंगे तो बिल्कुल हमारा हमें अच्छा लगेगा, तो ये आप मुझे सजेशन करके भेज सकते हैं, ठीक है। और फ्रेंड इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ये लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, ठीक है। 1 घंटे से ऊपर हो गया हमारा आज, तो 1 घंटे क्रॉस कर दिया, बाकी हम लेट थे लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। चलिए प्रिया जी ऑप्शन 1, पांडे जी ऑप्शन 1, वेरी गुड। एनी वन कोई आंसर कमेंट करेगा यहाँ पर? ओके पांडे जी ऑप्शन 1, वेरी गुड। सभी लोग इतने स्टूडेंट देख रहे हैं, 6 के स्टूडेंट यहाँ पर कमेंट करेंगे। ओके प्रीति ऑप्शन आ गया 3, बहुत अच्छे। उदय जी ऑप्शन 1, बहुत बढ़िया। क्या क्वेश्चन है? जब लाल गर्म कोक पर बाष्प पारित की जाती है तो हमें क्या मिलता है? क्या मिलेगा भाई, क्या मिलेगा? हमें कुछ नहीं मिलेगा, हमें मिलेगा सिर्फ सिर्फ भाप, भाप मिलेगी या फिर बोले स्टीम मिलेगी, वाटर गैस बोल सकते हैं इसको, ठीक है। फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर देगा। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करेगा और इस वीडियो को थोड़ा शेयर करिएगा अपने व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप पर। और सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, देन बेल का आइकन दबाइएगा। 2:30 बजे वीडियो आएगी, ओके 2:30 बजे जो वीडियो रहेगी वो अलग रहेगी, वो इन क्वेश्चन में से नहीं रहेगी, वो अलग रहेगी। उसमें से मैं आपको बताऊंगा सी हो सकते हैं, ब्रांड एम्बेसडर हो सकते हैं, वो इंक्लूड वीडियो रहेगी। और हम जो 1-2 दिन बाद आपको 6 महीने का जो है आपको करंट अफेयर कराना है भैया, 6 महीने करंट अफेयर 1 दिन में नहीं होगा, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू मानवीन जी, बहुत बढ़िया। थैंक यू फ्रेंड वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए और सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। और ऐसे ही आप डेली अगर पढ़ेंगे तो बिल्कुल बहुत अच्छी वीडियो मिलेगी, बहुत अच्छे से आप पढ़ पाएंगे और आगे भी एग्जाम्स में आप इस प्रकार के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड वॉचिंग दिस वीडियो और सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रीत ओके प्रीति जी और पांडे जी बहुत अच्छे, थैंक यू।